वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आर्यभट्ट घड़ी चैलेंज जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AGC, आर्यभट्ट घड़ी चैलेंज 2024 के लिए आज हम लोग एक न्यू वीडियो लाए हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर सोल्यूशन, किस चीज़ का पेपर सोल्यूशन है। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, खूब बड़ा बड़ा लिखा गया है स्टेज 2। अब ये स्टेज 2 का प्रीवियस सोल्यूशन, और स्टेज 2 ये प्रीवियस ईयर का है और किस साल का है, ये हम लोग सब डिस्कस करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमको काफी हेल्प मिलती है, पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 2023 का स्टेज 2 का क्वेश्चन पेपर है, और इस स्टेज 2 में आर्यभट्ट गणित चुनौती 2023 यहाँ लिखा गया है, द्वितीय चरण है। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर क्लास। एक चीज याद रखेंगे कि ये CBT बेस्ड है। CBT बेस्ड का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, और आपके कॉलेज से जिन भी कॉलेजेस में ये स्टेज 1 कंडक्ट कराया गया होगा, वहां से 3 बच्चों का नाम रजिस्टर्ड किया गया होगा और वो भेजा गया होगा CBSE को, जो कि CBSE अब नेक्स्ट सेंटर अलॉट करेगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड रेड एंड देन इट इज कट इनटू 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स। यानी एक बड़े क्यूब को 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स में ब्रेक कर दिया गया। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव एट लीस्ट वन फेस रेड कलर्ड। एट लीस्ट का जिक्र किया जा रहा है, एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन आप जानते हैं जब कम से कम की बात करता है, तो जितना कहा जा रहा है उतना या फिर इससे ज्यादा जो भी मिलेगा वो सब हम एक्सेस करते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन नीचे आपको दिख रहा है, जो भी हिंदी भाषी छात्र छात्राएं हैं वो हिंदी में से रीड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक हमारे पास बिग क्यूब है, उसको हमने क्या किया, रेड कलर से पेंट कर दिया। और रेड कलर से पेंट कर देने के बाद उसके कुछ पीसेस किए गए हैं, और वो कितने पीसेस हैं, 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स हैं। तो 125 स्मॉल इक्वल क्यूब हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स में एन पता करेंगे। अब एन क्यूब स्क्वल कितना हो गया, 125। क्यों 125, क्योंकि यहाँ पर 125 स्मॉल क्यूब्स में कन्वर्ट किया गया है। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। एन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। लास्ट ईयर भी आई थिंक इस टाइप का कोई क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, जिसमें 64 का जिक्र किया गया था, इस बार 5 का जिक्र किया गया है। पिछली बार भी मैंने इसके सारे पार्ट बता दिए थे और कोई एक उसमें डिस्कस किया गया था, इस बार भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो पार्ट लास्ट ईयर बताए थे उन्हीं में से एक दूसरा पार्ट यहाँ डिस्कस कर लिया गया है। इस बार भी मैं आपको सारे पार्ट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, सारे पार्ट आपको डिस्कस करने हैं, क्योंकि लगातार 2 बार से ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एक बिग क्यूब था, उसको हमने क्या किया, रेड कलर से पेंट कर दिया, एंड आफ्टर देन वी विल ब्रेक इट डाउन इनटू 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स। एंड आफ्टर देन हमें पता करना है कि कितने स्मॉल क्यूब्स ऐसे होंगे जिनमें कम से कम एक फेस रेड हो। कम से कम एक फेस रेड हो, मतलब एक फेस तो रेड होना ही चाहिए, 2 रेड हो सकते हैं, 3 भी रेड हो सकते हैं। सर कुछ कम बात समझ आती है, जब पूरे क्यूब को हमने रेड कर दिया है तो फिर आखिरकार यहाँ पर फेस रेड, एक फेस रेड की क्या बात है। तो इसको मैं एक छोटा सा पीस कट करके आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए मैंने यहाँ से पीस एक अलग किया। अब क्योंकि जो मैंने पेंट किया था वो रेड कलर का पेंट था, वो आउटर सरफेस पर था, इनर सरफेस पर तो हुआ नहीं था। तो आउटर सरफेस पर रेड कलर से पेंट कर देने के बाद जब मैंने इस क्यूब को, एक छोटे से पीस को बाहर निकाला, तो इस पीस में आप देख रहे हैं कि 3 साइड, एक तो ये वाली साइड फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस और थर्ड सरफेस, ये 3 सरफेस कैसे हैं, रेड हैं। लेकिन उसके बाद के जो 3 हिस्से आपको नहीं दिख रहे हैं, 3 फेसेस नहीं दिख रहे हैं, वो सब रेड नहीं है। रेड क्यों नहीं है, क्योंकि आउटर सरफेस पर ही हमने रेड कलर किया हुआ है। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें कि कैसा कलर होगा, रेड कलर होगा, एक कम से कम एक फेस पर रेड। जैसे यहां पर 3 फेसेस पर रेड है, तो ये हम पिक करेंगे। अगर इसी के बगल वाला पोर्शन हम पिक करें, जैसे कि यहां से ये वाला पोर्शन अगर मैं निकालूं कट करके, तो जब मैं इस क्यूब को कट करके बाहर करूंगा, तो आप इसमें देखेंगे कि जब ये वाला क्यूब बाहर होगा तो इसके केवल 2 सरफेस ही रेड होंगे, एक ये वाला सरफेस रेड होगा, एक ये सरफेस रेड होगा। तो अभी आपको मोटा मोटा क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। अब हालांकि इसको मैनुअली बैठ करके गिनना, दिस इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वन याद रखेंगे, वन सरफेस कलर्ड, ठीक है। अगर वन सरफेस कलर की बात की जाए, क्या
वन सरफेस कलर। जैसे बीच से अगर हम कोई भी एक ये बीच वाला क्यूब अगर हम बाहर करेंगे काट करके, तो इसका केवल एक यही वाला सरफेस क्या होगा, कलर होगा, बाकी सारे के सारे सरफेस कलर नहीं होंगे। तो यहां से वन सरफेस की अगर हम बात करें, तो वन सरफेस कलर्ड, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 6 n − 2 to the whole power 2। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को रखते हैं, तो एन की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 5 जनरेट की हुई है। एन की वैल्यू को 5 रखा, 5 − 2 कितना बचा, 3, 3 × 3 = 9, कितना मिल जाता है, 54 मिल जाता है। सेम प्रोसेस से अगर हम बात करें टू सरफेस कलर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हमारे पास कितने हो जाते हैं, 12 n − 2। यहां पर क्या था, 6 × n − 2 का होल स्क्वायर, यहां पर क्या है, 12 × n − 2, 12 n − 2 यानी 5 − 2, तो कितना मिल जाता है, 3 मिल जाता है, एंड आफ्टर देन वी गेट दी 36। सेम प्रोसेस से अगर हम थ्री सरफेस कलर्ड की बात करें, तो थ्री सरफेस कलर करने पर जो नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं वो हमेशा 8 होते हैं। यहां पर एक चीज आप लिख लेंगे ऑलवेज, ठीक है। और फिर जो कलरलेस की बात करें, तो कलरलेस कितने होंगे, तो कलरलेस के लिए एक फॉर्मूला आप और याद रखेंगे, कलरलेस स्मॉल क्यूब्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कलरलेस स्मॉल क्यूब्स, ये संख्या होगी n − 2 to the whole power 3। तो यहां पर n की वैल्यू को मैंने रख दिया कितना, 5, 5 − 2 चला गया 3, 3 क्यूब कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्यूब को कट करते हैं, तो कोई भी साइड कलर नहीं है, मतलब किसी भी साइड पे, किसी भी सरफेस पर, सॉरी साइड बोल रहा हूँ, किसी भी सरफेस पर कलर नहीं है, इनकी संख्या 27 होगी। थ्री सरफेस पर कलर होगा, इनकी संख्या केवल 8 ही होगी। और ये आप 8 गिन भी सकते हैं, एक यहां से निकलेगा, दूसरा ये पीस आपके सामने रखा हुआ है, तीसरा ये, और चौथा ये, 4 ऊपर से और 4 नीचे से। तो इसलिए इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। कलरलेस कितने होंगे, n − 2 क्यूब। वन सरफेस कलर कितने होंगे, 6 × n − 2 to the whole power 2, एंड टू सरफेस कलर, 12 n − 2, एंड थ्री सरफेस ऑलवेज 8। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के संख्या आ गई है। अब हमसे पूछ रहा है एटलीस्ट वन सरफेस कलर होना चाहिए, कम से कम कोई एक सरफेस कलर होना चाहिए, तो कम से कम कोई एक सरफेस कलर होना चाहिए, इस केस में हम ये वाला हटा देंगे। अब कम से कम कोई एक सरफेस कलर होना चाहिए, तो हो सकता है कि वन सरफेस कलर है यानी 54, ये वाली संख्या ले ली, हो सकता है टू सरफेस कलर है 36 ले लिया, हो सकता है थ्री सरफेस कलर है 8 ले लिया, सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, देन 18 कैरी वन चला गया और 5 9, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 98। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको एक दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास ये कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैं कितने, 125 हैं। अब वो बोल रहा है कि कितने ऐसे एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड होना चाहिए, वन सरफेस, वन वन फेस रेड कलर्ड होना चाहिए। तो वन फेस रेड कलर्ड होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कलरलेस कितने हैं। कलरलेस की संख्या कितनी है, ये 27 आई है। टोटल क्यूब्स कितने हैं, 125 है। 125 में से 27 को बेटा कर दो माइनस, जैसे ही आप इसे माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है 98। ये 98 वो संख्या आएगी जिसमें कि एक सरफेस कलर है, टू सरफेस कलर है, थ्री सरफेस कलर है और कलरलेस है। चार सरफेस कलर हो नहीं पाएंगे, इसलिए ये वाला कोई केस बनता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही मेथड से आपको बता दिए हैं, या तो 125 में से आप डायरेक्टली 27 को माइनस कर देंगे, कलरलेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, या फिर आप तीनों सरफेस निकाल करके फिर उनको ऐड करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने ये रहा, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन, अच्छा इनके और इनके बीच के जो इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका सम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को इवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम n इक्वल्स टू 1 2 3 और इस तरीके से इन नंबर्स को रखेंगे दोनों के बीच में। जब n इक्वल्स टू 1 हमने रखा तो ध्यान देंगे, जब n इक्वल्स टू 1 हमने रखा तो यहां से मिलेगा 1 − 1 + 1, कैंसिल आउट हो जाता है, मिल जाता है 1। ये कब आया, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए आया, तो n इक्वल्स टू 1 हम इसके अंदर भी रखेंगे। जब इसके अंदर हमने n इक्वल्स टू 1 रखा तो यहां से हमको देखने को मिलता है 1 + 1 + 1, कितना मिल जाता है 3। फिर हमने क्या किया, n इक्वल्स टू 2 रखा, जैसे ही 2 रखा तो हमें देखने को मिलेगा 2 2 = 4 − 2 + 1, तो 4 1 5 3, n इक्वल्स टू 2 हमने यहां पर रखा तो हमें देखने को मिलता है 1 सॉरी 2 2 = 4 + 2 + 1, कितना मिल जाता है, हमको मिल जाता है 7। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे।
नाउ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन और एन स्क्वायर प्लस एन और प्लस वन के बीच जो इवन नंबर्स हैं हम पता करेंगे इवन नंबर्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच के जो भी नंबर्स हैं। एन इक्वल्स टू वन पर जब हमने रखा तो यहां से आउटपुट हमको वन मिला, लेकिन यहां से थ्री मिला तो इनमें जो इवन नंबर आएंगे वो टू आ जाएंगे। जबकि एन इक्वल्स टू टू जब मैंने रखा यहां पर तो यहां आपको थ्री मिलता है, यहां आपको सेवन मिलता है, और इस सिचुएशन में जो इवन नंबर्स आ रहे हैं वो एक फोर आ रहा है, एक सिक्स आ रहा है। यहां पर हमसे बोल रहा था सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो यहां पर अब एक नया कॉलम बना लेते हैं सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। और जब सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स की हमने बात की तो टू का सम तो टू ही रहेगा, जबकि फोर और सिक्स का सम क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। अब हमें आउटपुट निकालना है, यानी जो ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये चार ऑप्शन किस चीज के हैं, ये है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स के। तो हम क्या करेंगे, इससे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, चलो एक बार एन इक्वल्स टू वन के लिए रख देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि टू हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। एन इक्वल्स टू जब मैंने यहाँ वन रखा तो ये बन ही दे रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था टू, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। सेम प्रोसेस से एन इक्वल्स टू वन रखने पर जीरो मिल रहा है तो ऑप्शन डी भी गलत है। लेकिन ऑप्शन डी में अगर एन इक्वल्स टू वन रखते हैं तो ये भी टू देगा और ऑप्शन सी भी टू दे रहा है, इसलिए एन इक्वल्स टू वन से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अब हमने किसका इस्तेमाल किया, एन इक्वल्स टू टू का इस्तेमाल किया। जब टू का इस्तेमाल किया तो इनके और इनके बीच में जो इवन नंबर आ रहे हैं वो फोर और सिक्स, और इनका सम कितना हो रहा है, टेन हो रहा है। तो अब देखो एन इक्वल्स टू टू रखने पर, एन इक्वल्स टू टू रखने पर कौन सा ऑप्शन आपको क्या देता है, टेन देता है। तो एक बार जब मैंने यहां रखा है निष्कर्ष टू टू, टू टू जा फोर, टू जा एट और वन नाइन, जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था सम टेन, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, टू टू जा फोर, टू जा एट और प्लस टू, तो आउटपुट कितना मिल जाता है, टेन मिल जाता है। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर इसको आप इस तरह से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, हालांकि सबसे आसान मेथड यही है, तो आप इसको एक दूसरे प्रोसेस से भी इवेलुएट कर सकते हैं। बोला सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो हमने क्या किया, हमें अगर इवन नंबर चाहिए तो आप जानते हैं कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो टू से डिविजिबल होते हैं, जस्ट लाइक दी फोर सिक्स एट, ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो हमने इसको इवन नंबर बनाने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने इवन बनाने के लिए क्या किया, इसको हमने इवन बनाने के लिए एन माइनस एन, हमें पता है कि जो नंबर टू से डिविजिबल होगा वो इवन होगा, तो टू से मल्टीप्लाई करा दिया, टू से डिवाइड करा दिया। अगर अभी भी आप देखेंगे तो ये जो लिखा है टू से टू कैंसिल होगा तो यही आपको मिल जाएगा, लेकिन ये टू से डिवाइड क्यों कराया, क्योंकि अब टू से डिवाइड होने के बाद जो भी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इवन मिलेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें चाहिए इवन नंबर लाइज बिटवीन दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। अब हमारा ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये वाला जो है ये कौन सा टर्म होगा, ये हो जाएगा लास्ट टर्म, क्योंकि इवन नंबर है तो कोई भी दो इवन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। तो इसका मतलब डी भी हमको पता चल गया, टू है, और ये बनेगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो सम के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं एस एन इज टू एन बाई टू फिर ए प्लस एल, बोलो बनता है या नहीं बनता है। अब हमने क्या किया, यहां से वैल्यूज को पुट किया, तो यहां से वैल्यूज को पुट कर देने के बाद में आपको देखने को मिलेगा एन बाई टू, ए की वैल्यू क्या है, ए का एक्सप्रेशन आपको ये देखने को मिल रहा है, और एल का एक्सप्रेशन क्या देखने को मिल रहा है, एल का एक्सप्रेशन ये देखने को मिल रहा है। तो टू से टू तो कैंसिल हो जाता है, तो यहां से देखने को मिलता है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, यहां से एन से ये एक एन कैंसिल हो जाता है। अब आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा एन बाई टू, टू एन स्क्वायर प्लस टू, और अब क्या होगा, एन बाई टू, टू को हमने कॉमन कर लिया, यहां से देखने को मिलेगा एन स्क्वायर प्लस वन, टू से ये टू हो जाता है कॉमन, अंदर बचता है एन स्क्वायर प्लस वन, तो अंदर बचेगा एन क्यूब प्लस एन। तो यहां से भी अब आपने देखा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन और रेज हो सकता है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनके यानी इन दो नंबर्स के बीच में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो एन ही है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप एक फॉर्मूला और भी जानते हैं, एल इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल भी पता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, एन हमको पता करना है, डी डिफरेंस कितना दे रहा है, टू दे रहा है। फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो जो आपके पास कैपिटल एन आएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और उसकी संख्या कितनी निकलेगी, एन निकलेगी। फिलहाल ये एक मजेदार क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन
और साथ ही साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों की मदद से सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है। बोल रहा है तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों की सूची का औसत 7 है। अच्छा, कुल मिलाकर के बोले द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले व्हेन अ फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर एम डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट, द एवरेज ऑफ द लिस्ट इज एन इंटीजर। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। ठीक है भाई, पता करना है। इसमें दो तीन चीजें थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तो इसमें ये याद रखना, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री, ये जो एम है, एम की जो वैल्यू होगी वो पहले तीन नंबर से अलग होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो वो बोले द एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कंसीडर करवा रहा है। तो हमने मान लिया कि जो थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो एक्स है, एक्स प्लस टू है और एक्स प्लस फोर होगा, थ्री नहीं होगा। क्या होगा? एक्स प्लस फोर होगा। क्यों फोर होगा? क्योंकि अगर एक्स एक ऑड नंबर है, मान लिया वन आया, तो वन को जब यहां रखा तो थ्री मिल गया, वन को यहां रखा तो फाइव मिल गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी दो ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो टू आते हैं और यहां से वो डिफरेंस हमको टू देखने को मिला। तो थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हमने ढूंढ लिए हैं। इनका जो एवरेज है वो क्या है? 7 है। एवरेज के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना हो जाता है? थ्री हो जाता है। एक्स बार की वैल्यू दे रहा है, ये देखो 7 यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। देन वी गेट दिस 7 इक्वल, यहां से एक्स एक्स और एक्स क्या मिल जाता है? थ्री एक्स प्लस सिक्स अपॉन थ्री, यहां से 7 इक्वल थ्री कॉमन हो जाता है। देन एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स अपॉन थ्री, से थ्री हो जाता है कैंसिल और यहां से आपको देखने को मिलता है 7 इक्वल एक्स प्लस टू। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 5 आ जाती है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5 आ जाती है। अब अगर एक्स की वैल्यू 5 आ गई है तो ये जो थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स थे वो हमको पता चल गए हैं। पहला था एक्स, मतलब 5, 5 में हमने 2 ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 7। फिर हमने 2 ऐड किया, देन वी गेट दी 7 एक्स की वैल्यू 5, 5 में 4 ऐड किया, देन वी गेट दी 9। तो ये जो देखो थ्री नंबर्स हैं, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, दोनों कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई हो रही हैं। बोला व्हेन अ फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर एम इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ठीक है, अब बोला कि इस लिस्ट में एक चौथे इंटीजर को भी क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एवरेज ऑफ द लिस्ट इज एन इंटीजर। तो जो एवरेज है वो एक इंटीजर है भैया। एक हमने 5 लिया, फिर 7 लिया, फिर 9 लिया, इसमें एक इंटीजर m को ऐड किया और बोल रहा है कि अब इनका जो एवरेज है यानी 4 से डिवाइड कराएंगे, वही है फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे ही हमने इसको 4 से डिवाइड कराया, 4 से डिवाइड करा देने के बाद में ये जो वैल्यू है ये किसको बिलोंग करेगी? ये बिलोंग करेगी सेट ऑफ इंटीजर को। किसको बिलोंग करेगी? सेट ऑफ इंटीजर को। इसको हमने थोड़ा सा और ऐड किया, देन वी गेट दी 21 प्लस m। ठीक है, 21 प्लस एम बाई 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब हमको चाहिए m की यहां पर देखो लिखा गया ना, व्हाट इज द सम ऑफ थ्री, ये नहीं, यहां पर व्हेन अ फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर m डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट, द एवरेज ऑफ द लिस्ट इज एन इंटीजर। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ थ्री स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। एम की तीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एम की तीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज का सम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एम क्या क्या हो सकता है? तो देखो फोर से डिविजिबल क्या क्या है अगर हम देखते हैं तो फोर, इसमें अगर एम की वैल्यू हम रख दें क्या, थ्री, एम की वैल्यू पुट कर दें थ्री, तो जाहिर सी बात है कि 21 प्लस थ्री कितना हो जाता है? 24। 4 से डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है ये इंटीजर को बिलोंग करेगा, एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू, अगर m की वैल्यू हम पुट कर दें 7, अरे 4 का टेबल आप रीड करेंगे तो 4 के टेबल के रीड करने में आपको 24 के बाद 28 ही मिलता है, तो हमने 21 प्लस 7 किया,
21 + 7 कर देने पर 28/4, और ये जो आ रहा है ये भी 4 से डिविजिबल है, एक इंटीजर वैल्यू देगा। फिर हमने पुट किया m इज कस टू, अब 28 के बाद 32, 32 हमको 11 रखने पर मिलेगा। किसके रखने पर मिलेगा? 11 रखने पर। जैसे ही हमने 11 पुट किया 11/4, तो हमें क्या देखने को मिलता है? 32/4, और ये 4 से डिविजिबल है, इंटीजर में जाएगा। अब ये देखो तीन वैल्यूज आ गई हैं। एक यहां पर नोट पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, और नोट पॉइंट ये है कि डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री। ये देखो यहां पर नोट पॉइंट, ये जो नोट पॉइंट दे रहा है डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री, पहले तीन से ये एम अलग होना चाहिए। तो एक चीज अभी हमने देखी कि जो हमारी एम की वैल्यूज, जो अभी हमारी वैल्यूज आई थी वो देखो, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। इसमें देखो यहां पर भी 7 आ रहा है, ठीक है, और यहां पर जो हमने एम की वैल्यू 7 रखी है, तो अगर हम एम की वैल्यू 7 लेते हैं तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि जो एम है डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट थ्री, ये जो थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स लिए जा रहे हैं इनसे ये वाली वैल्यू एम की अलग होनी चाहिए, तो ये तो सेम हो रही है, इसलिए हम एम की इस वैल्यू को पिक नहीं कर सकते हैं। और जब इस वैल्यू को पिक नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर हमको एक नेक्स्ट वैल्यू चाहिए होगी, और 23 के बाद 32 के बाद में 36 डिविजिबल होगा, तो एम इज कस टू हमें क्या रखना पड़ेगा? 15 रखना पड़ेगा। जैसे ही हमने 15 को पुट किया देन 21 + 15/4 वी गेट दी 36/4, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये इसको डिवाइड करा देगा तो वैल्यू इंटीजर के अंदर जाएगी। तो अभी जो हमारे पास एम की वैल्यूज आ रही हैं वो एम की कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं? एम की तीन वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, 3, 11 और 15। एक चीज और भी याद रखना कि ये जो तीन वैल्यूज हैं, ये तीन वैल्यूज इन तीन वैल्यूज से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं, यानी डिफरेंट हैं। तो कुल मिलाकर के अब हमसे पूछ रहा है सम ऑफ दी थ्री स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, तो एम की तीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज। देखो वैल्यूज तो अब और भी हो सकती है, 15 के बाद में अब आपको पता है 40 यहाँ पर रख देंगे तो 19 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अब वो सब हम वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वहां पर बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल थ्री वैल्यूज, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल थ्री वैल्यूज जो ऊपर वाली कंडीशन को भी होल्ड करें वो यही तीन है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीन को ऐड कर देते हैं, 5, 1, 6 और 3, 9, 1, 1, 2, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, बोला है अ कोन, अ हेमी स्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो। अच्छा हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। क्या करना है? वॉल्यूम्स का रेशियो हमको जनरेट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो हम लोग जनरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या जनरेट होगा। एक कंडीशन जो आपको दे रहा है उस कंडीशन को देख लेते हैं। कंडीशन में कहा जा रहा है, ये देखिए तीन चीजें आ गई हैं जिसमें कि एक कोन की बात कर दी गई है, तो ये हमारे पास कोन हो गया हेमीस्फीयर, ये हमारे पास हेमीस्फीयर रहा, ये हमारे पास क्या है? हेमीस्फीयर है, और ये हमारे पास क्या है? सिलेंडर है, ठीक है। ये है सिलेंडर, ये है हेमी स्फीयर, और ये है कोन, ठीक है। अब बोला है इक्वल बेस, ठीक है, मतलब बेस से कोई लेना देना नहीं है, हैव द सेम हाइट, यानी अगर इसकी हाइट हम एच कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी भी हाइट क्या होगी? एच ही होगी, और इसकी भी हाइट क्या होगी? एच ही होगी, ठीक। कोन के लिए अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1/3 पाई, फिर क्या आ जाता है? आर स्क्वायर एच, क्या आ जाता है? आर स्क्वायर एच, ठीक है। सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 2/3 हेमीस्फीयर का होगा, 2/3 πr³, और जब हम लोग इसकी बात करते हैं सिलेंडर की तो यहां से बनता है πr² h, क्या है? πr² h, ठीक है। अब यहां पर बेस कैसे हैं? इक्वल है, बेस कैसे हैं? इक्वल है। तो अगर हमने माना कि इसका रेडियस क्या है? आर है, तो भैया इसका भी रेडियस क्या होना पड़ेगा? इसका भी रेडियस आर होना पड़ेगा, और इसका भी रेडियस क्या होना पड़ेगा? इसका भी रेडियस आर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से तीनों का जो रेडियस है वो कितना हो गया है? आर। इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, और इसका भी रेडियस आर, इसलिए तीनों के फॉर्मूलाज में रेडियस को आर रखा है, क्योंकि बेस क्या है? इक्वल है, हाइट एच है, तो हाइट एच है, तो यहां से ये भी क्लियर हो जाता है। अब हम लोग जरा आगे देखते हैं, हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो अब हमने क्या किया? हमने एच इजकल्स टू आर पुट किया, क्या पुट किया? एच इजकल्स टू आर। तो जैसे ही हमने पुट किया
आर स्कस टू एच, देखो ये भी बेटा इसका रेडियस है, और यहां से अगर हम नीचे जाएंगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और जब ये भी रेडियस होगा तो जाहिर सी बात है कि आर इक्वल किसके हो जाएगा, एच के हो जाएगा, आर इक्वल एच के हम रखेंगे, और साफ साफ बोल रहा है स्टैंड ऑन द इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, बेस भी इक्वल है हाइट भी सेम है, तो आर स्कस टू एच जैसे ही हमने तीनों के अंदर पुट किया तो हमें देखने को मिलता है 1/3 πr³, πr³ 2/3 πr³, ठीक है, यहां से πr³ r³ πr³ और πr³ तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बच क्या रहा है 1/3, फिर 1 और फिर 2/3। एक चीज याद रखना कि हम लोगों को जो रेशियो निकालना था वो निकालना था कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, यानी हेमिस्फीयर यहाँ पर होना चाहिए था और ये यहाँ पर होना चाहिए था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो ये हमारे पास कोन होना चाहिए था, ये हमारे पास हेमिस्फीयर होना चाहिए था और ये हमारे पास सिलेंडर होना चाहिए था, ठीक है, और इस ब्याह पर अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ से कोन के लिए क्या जनरेट हुआ है 1/3, कोन के लिए क्या जनरेट हुआ है 1/3, हेमिस्फीयर के लिए क्या जनरेट हुआ है 2/3, और सिलेंडर के लिए क्या जनरेट हुआ है 1, यही जो रेशियो निकाले हैं ये इसी में इन दोनों को केवल स्वैपिंग कराई है, बाकी कुछ नहीं किया है। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें देखने को मिलता है 1:2:3, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1:2:3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वन ऑप्शन इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास ये रहा, बोल रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करा देना है 62 को, 4 से जैसे हमने 62 को डिवाइड कराया तो 4 बन जा 4, 2 4 5 जा कितना आ जाता है 20, कितना बच गया 2, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है हमारे पास 2, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2, तो जो 7^62 को सॉल्व करने पर आएगा वही 7^2 को सॉल्व करने पर आएगा, अब अगर हम इसको इवेलुएट करते हैं तो ये आउटपुट देता है 49, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, एक्स और वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, यहां पर नोट पॉइंट ये है कि ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, इन सच वे दैट एक्स वाई इक्वल्स टू 6, डायोफेंटाइन इक्वेशन पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आता है, और पिछले साल भी आपने कुछ शॉर्ट्स में मेरे देखे होंगे, क्योंकि ये स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है जो डायोफेंटाइन इक्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कराने पर 6 मिलता है, अगर आप जानना चाहते हैं डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है तो आप शॉर्ट्स देखेंगे आर्यभट्ट गणित चैलेंज के ही, उसमें एक इक्वेशन एक शॉर्ट में मैंने इसको पूरा क्लियर किया हुआ है, अब x इंटू वाई करने पर हमें आउटपुट 6 मिल रहा है, x और y दोनों ही कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान देना जरा, x इंटू वाई करने पर 6 अगर मिल रहा है तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जैसे अगर x 1 होगा तो y को 6 होना पड़ेगा, तभी तो 1 इंटू 6 करने पर 6 मिलेगा, अगर x को 2 लेते हैं तो y को 3 लेना पड़ेगा, अगर x को 3 लेते हैं तो y को 2 लेना पड़ेगा, और अगर x को 6 लेते हैं, x को क्या ले लेते हैं 6, तो y को 1 होना पड़ेगा, आप देख सकते हैं हर कंडीशन में, हर कंडीशन में जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, हमसे आउटपुट किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई का, तो अगर हम यहां से एक कॉलम और तैयार करें x प्लस वाई का, एक कॉलम तैयार करें x माइनस वाई का, तो 1 और 6 दोनों को ऐड करने पर 7 आ जाता है, जबकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आ जाता है, इन दोनों को ऐड करने पर 5 आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ जाता है, इन दोनों को ऐड करने पर फिर 5 आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है, इन दोनों को ऐड करने पर 7 आ जाता है, जबकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने पर 5 मिल जाता है, अब हमारा काम ये है कि ये हमारे पास कितने केसेस बने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, 4 केसेस हमारे पास तैयार हुए हैं, और ये जो 4 केसेस हैं इन 4 केसेस की वैल्यूज हम लोग जनरेट करेंगे किस पर, 2^x पर, किस पर जनरेट करेंगे, 2^x+y पर, ठीक है, तो जब 2^x+y पर जनरेट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं,
तो एक काम कर लेते हैं कि इसको कर देते हैं टू दी पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यही पर बगल में कॉलम बना लेते हैं टू दी पावर एक्स प्लस वाई का। तो टू दी पावर, देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है, ये तो टू दी पावर एक्स प्लस वाई टू दी पावर 7, आप समझ आए बगल में कॉलम क्यों बनाया। सेम प्रोसेस टू दी पावर 5, सेम प्रोसेस टू दी पावर 5, सेम प्रोसेस टू दी पावर 7, ठीक। तो ये आउटपुट यहां से हमें इतना देखने को मिला। अब अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो अब इसको कुछ नहीं करो, इसको भी ऐसे क्विट कर दो। यहां से टू दी पावर एक्स माइनस वाई को टू दी पावर माइनस वाई, टू दी पावर माइनस वन, टू दी पावर वन और टू दी पावर फाइव। ये जो रेड कलर वाले नंबर्स आए हैं इसको बोल देते हैं टू दी पावर एक्स माइनस वाई। ये जो रेड कलर के कॉलम्स आए हैं इसी का हमारे पास काम होगा। हमें क्या करना है भैया, डिवाइड करा देना है। डिवाइड कराना तो चार केस बनते हैं। तो जो पहला केस बन रहा है वो बन रहा है टू दी पावर 7 अपॉन टू दी पावर माइनस फाइव, ठीक है। ये क्या जनरेट हो रहा है, टू दी पावर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन टू दी पावर एक्स माइनस वाई। तो टू दी पावर 7 ये जनरेट हुआ, टू दी पावर माइनस फाइव ये जनरेट हुआ। सिंप्लीफाई किया तो टू दी पावर आप जानते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर जाएगा तो टू दी पावर 12 बना देगा। टू दी पावर 12 का मतलब हो गया टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, टू जा 32, टू जा 64, 128, 256, 256, 512, 512 के बाद 10 10 24, 2048, 4096, कितना आ जाएगा 4096। केस नंबर टू को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर टू में तैयार होगा टू दी पावर 5 अपॉन टू दी पावर माइनस वन, आउटपुट में देखने को मिलता है टू दी पावर 6। टू दी पावर 6 का मतलब 64 है। केस नंबर थ्री में हमें क्या देखने को मिलता है, टू दी पावर 5 अपॉन टू दी पावर 1, टू दी पावर 1 यानी टू दी पावर 4, 4 का मतलब आपको देखने को मिलता है 16। और फोर्थ नंबर में हमें क्या देखने को मिलता है, टू दी पावर टू दी पावर 7 अपॉन टू दी पावर 5। यहां से मैं सामने सिंप्लीफाई किया टू दी पावर 2 तो हमें क्या देखने को मिला 4। अब क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, ये जो नंबर था इनको ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि देखो लिखा गया सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जैसे ही हमने इनको ऐड किया तो हमें देखने को मिलता है 4180। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने ये रहा, क्या बात कही जा रही है, 160 परफॉर्मर शोज अप फॉर एन ओपन ऑडिशन इन दिल्ली। ऑफ दीज 95 आर सिंगर एंड द रेस्ट आर एक्टर्स। अच्छा, तो कुल मिलाकर के टोटल परफॉर्मर हमको पता चल गए हैं, टोटल परफॉर्मर्स कितने हैं, 160 हैं। ये देखो 160 टोटल परफॉर्मर्स, ठीक है। शोज अप फॉर एन ओपन ऑडिशन इन दिल्ली। ऑफ दिस 95 आर सिंगर्स। अच्छा, इसमें जो टोटल सिंगर्स हैं वो कितने जा रहे हैं, 95, एंड रेस्ट आर एक्टर्स। तो जो टोटल एक्टर्स हैं वो कितने होंगे भाई, 160 में से 95 को माइनस कर दीजिए। और जैसे ही हमने माइनस किया तो हमें क्या देखने को मिलता है, 65। तो कुल मिलाकर के टोटल एक्टर्स कितने हैं, 65 हैं। फिर बोले हाफ ऑफ द परफॉर्मर्स बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है। अब जो जो टोटल परफॉर्मर है उसके जो हाफ परफॉर्मर्स हैं वो दिल्ली के हैं, तो हमने लिखा दिल्ली परफॉर्मर्स, ठीक है। और जब डेली परफॉर्मर की बात करते हैं तो वो 160 बाई 2 मतलब कितना मिल जाता है, 80 मिल जाता है। फिर आगे समझेंगे, बोला है एंड द रेस्ट आर फ्रॉम आउटसाइड डेली। तो अगर ये डेली के हो गए तो जो 80 बच रहे हैं वो आउटसाइड होंगे। इफ 23 ऑफ द सिंगर्स बिलोंग्स टू डेली, ठीक है भाई। तो टोटल डेली सिंगर्स कितने हैं, 23। हाउ मेनी ऑफ द एक्टर्स डू नॉट बिलोंग टू दिल्ली, कितने लोग दिल्ली को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, 23 जो दिल्ली सिंगर्स थे तो हमने यहां से माइनस किया आउटसाइड सिंगर्स, ठीक है। ये दिल्लीज आउटसाइड सिंगर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ये डेली सिंगर्स हैं 23, तो डेलीज आउटसाइड सिंगर्स कितने हो जाएंगे भैया, जो 80 हैं 80 में से 23 को माइनस कर दिया तो हमारे पास बच जाता है 57। और ये जो 57 होंगे ये आउटसाइड सिंगर्स होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना,
टोटल जो एक्टर्स हमारे पास थे, बट टोटल एक्टर्स 65 थे। ये देखो यहां से भी हम लोगों ने निकाला था। एंड 57, ये जो आप देख रहे हैं, 57 प्लेसेस आर ब्लैंक्स इन दिल्ली एंड 57 प्लेसेस आर ब्लैंक इन कहां पर दिल्ली। देन आप क्या करेंगे, 65 में से 57 को कर देते हैं माइनस। तो जैसे ही आप माइनस करते हैं तो यहां से आपको पता चलता है 8 एक्टर्स डोंट बिलोंग टू दिल्ली। तो ये हमारे पास पूछ रहा था कि कितने जो एक्टर्स हैं वो दिल्ली को बिलोंग नहीं करते हैं। यहां पर नॉट पर जरा फोकस देंगे और यहां से पता चल रहा है कि कितने, तो यहां से पता चल रहा है कि 8 एक्टर्स ऐसे हैं जो दिल्ली को बिलोंग नहीं करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहा जा रहा है गिवन दैट वाई इज ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गिवन दैट वाई इज ग्रेटर देन 6, वाई 6 से बड़ा है। तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख लेते हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। वाई इज ग्रेटर देन 6, पहले बाय यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट नंबर, और ये दिया गया है दैट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। तो अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी बाई कितने से, डिविजिबिलिटी बाई 3। आप जानते हैं कोई भी नंबर तभी 3 से डिविजिबल होगा जब उस नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होगा, डिजिट्स का सम। तो डिजिट्स का सम कर लेते हैं 8 + 3 + 4 + x + 4 + y। ठीक, ये अगर 3 से डिविजिबल होगा तो फिर पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, 8 4 12 3 15 और 4 18 + x + y। क्या कहा, 18 + x + y, 4 और 3 11, 4 15 15 और 4 19 होगा बेटा, 18 नहीं होगा, कितना होगा 19। तो 19 + x + y क्या मिलता है, 19 + x + y, ये तो आगे डिविजिबिलिटी बाई 3। अब जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी बाई 4, तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे बताते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट, यानी यूं कहें कि यूनिट्स और टेंस पर जो नंबर्स हैं उनका वो अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करा देते हैं किसको, 4y को। 4 बन जा, 4 कैंसिल हो जाता है, y आ जाता है। अब y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं ध्यान देना, एक तो y की वैल्यू 4 हो सकती है, और अगर y की वैल्यू को हम 4 रख देते हैं तो निश्चित तौर पर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन जो हमारे पास स्टार्टिंग में ही दी गई है कि y इज ग्रेटर देन 6, तो ये हम ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, सिंस y इज ग्रेटर देन 6, तो 4 से बड़ा दूसरा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो तो वो हमारे पास आ जाता है 8। और ये बात सही है कि ये जो 8 है ये 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 8। अब y की वैल्यू 8 आ रही है तो y की वैल्यू 8 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, और जैसे ही हमने 8 को यहाँ पर फिल किया वैसे ही आप देखो कि 48 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 42 42 44, 48 इसी ऑप्शन में, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। हालांकि इसको अगर पूरा विस्तृत सॉल्व करते तो निश्चित रूप से थोड़ा सोल्यूशन बड़ा हो जाता, लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल किया, ऑप्शन की हेल्प ली, और ऑप्शन की हेल्प से हम लोगों ने आंसर को जल्दी एक्सेस किया। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अपने सामने ये रहा, बोला है स्टार इफ स्टार मीन्स एडिंग ट्वाइस दी सेकेंड नंबर टू थ्राइस दी फर्स्ट नंबर देन दी वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला मेंटेन कर लेते हैं। क्या मेंटेन कर लेते हैं, जनरल फॉर्मूला। मान लेते हैं ए और बी कोई दो नंबर हैं और इनके बीच में ये स्टार है, तो ए स्टार बी का मतलब हुआ ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर, ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर, थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, और ये एडिंग करने पर है, एडिंग। तो ए स्टार बी का ये मीनिंग आ गया। अब सबसे पहले हम क्या जनरेट करेंगे, ए वन स्टार टू, तो वन स्टार टू हमने किया तो वन स्टार टू का मतलब क्या निकला,
टू तो अपनी जगह पर रहेगा, इन टू बी की वैल्यू क्या है, टू प्लस थ्री, ए की वैल्यू क्या है, वन, यानी फोर प्लस थ्री क्या मिल जाता है, सेवन मिल जाता है। ये सेवन किसकी वैल्यू आई है, वन स्टार टू की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, ये वन स्टार टू की जगह पर सेवन रख दिया, सेवन स्टार थ्री, फिर वही बात होगी, टू बी सबसे पहले आएगा, ये देखो फॉर्मूला मेंटेन है अपने पास। अब हम क्या कर रहे हैं, टू बी, तो टू बी की वैल्यू क्या है, थ्री, फिर प्लस थ्री, ए की वैल्यू क्या है, सेवन, सिंप्लीफाई किया, थ्री टू जा सिक्स, सेवन थ्री जा 21, कुल मिलाकर के कितना मिल जाता है, 27। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अमित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड टूवर्ड्स ट्रेवल्स टूवर्ड्स द ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर एंड देन ही टर्न्स राइट टू ट्रेवल फॉर अनदर 5 किलोमीटर एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रीचेस द पॉइंट बी आफ्टर ट्रेवलिंग 7 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के ईस्ट और नॉर्थ और साउथ की जो भी बात हो रही है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन ईस्ट बोला जाता है, इसका जस्ट अपोजिट वेस्ट, जो अपवर्ड है वो नॉर्थ है, जो डाउनवर्ड है वो साउथ है, और इस तरीके से ये डायरेक्शन हमारे पास फुलफिल होते हैं। अब हम लोग डायग्राम को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अमित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी से जो है वो अमित स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास पॉइंट पी, ट्रेवल्स टूवर्ड ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर, ये लो 5 किलोमीटर चले, एंड देन ही टर्न्स राइट टू ट्रेवल फॉर अनदर 5 किलोमीटर, ये लो फिर अगले 5 किलोमीटर ये चले, फिर बोल रहा है एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रीचेस पॉइंट बी आफ्टर ट्रेवलिंग 7 किलोमीटर, और इस बार ये चले हैं पूरा 7 किलोमीटर। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट बी। तो अब पी और बी के बीच का हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी और बी के बीच का डिस्टेंस जो हमसे पूछ रहा है, हम पी और बी को पहले मिला देते हैं, ठीक है, ये पी और बी को मिला दिया, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और मेंटेन किस बिहाफ पर करेंगे, हमने एक लाइन यहां से नीचे ट्रेस की और ये इसके ठीक पैरेलल है, इस लाइन के, ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 होगी, और हमने क्या किया, इसको हमने इससे अटैच करा दिया। अब जब हमने इसको इससे अटैच करा दिया, तो अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 है, 5 अगर हम टोटल इस पॉइंट से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के और पॉइंट बी तक की टोटल लेंथ देखते हैं, तो 5 और 7 ऐड होकर के कितना बना देता है, 12 किलोमीटर, कितना बना देता है, 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर आ गए, ये 5 किलोमीटर है, ये हमसे लेंथ पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है पी बी। तो हम लोग, हमने मान लिया कि ये जो है ये पॉइंट ओ है, और हम ट्रायंगल ले सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ बी, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और वैसे भी पाइथागोरियन नंबर आपको पता होना चाहिए, 5 है 12 में, तो ये नंबर क्या होगा, 13 ही होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आप चाहें पाइथागोरियन नंबर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे ये नंबर आपको पता होने चाहिए, अगर आप स्टेज 2 में बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पता ही होंगे, नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। देन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड यू कैन इजिली गेट योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अपने सामने ये रहा, बोला है 1 एंड 5 क्वाइंस आर अवेलेबल एज मैनी एज रिक्वायर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेमेंट विच कैन नॉट बी मेड बाई दीज क्वाइंस। अच्छा, वो कौन सा पेमेंट है जो इनसे नहीं हो सकता है, इफ नॉट मोर देन 5 क्वाइंस आर अलाउड, 5 से ज्यादा क्वाइन क्या है, अलाउड नहीं है, 5 से ज्यादा क्वाइंस अलाउड नहीं है, यानी 5 से कम क्वाइंस अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा क्वाइंस, नॉट मोर देन 5 क्वाइंस, ठीक है, तो 5 से ज्यादा क्वाइंस अलाउ नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चुन लेते हैं। अगर हमें ये जो क्वाइंस हैं, ये कौन कौन से हैं, ये हैं 1 रुपए का एक क्वाइन है और एक 5 रुपए का क्वाइन है, ठीक है, ये देखो यहाँ बना हुआ है ₹1 एंड ₹5। तो यहां से अगर 3 रुपए का पेमेंट करना है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है ना, इफ नॉट मोर देन 5 क्वाइंस और अलाउड, 5 से ज्यादा क्वाइन नहीं यूज कर सकते हैं, तो 3 हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी ये ऑप्शन तो सही है। पूछ रहे कौन सा नहीं किया जा सकता है, सिक्कों द्वारा नहीं किया जा सकता है, किसका पेमेंट नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, 14 को हम लोग ले लेते हैं, 14 को हम लोग किस तरीके से लेते हैं, तो मुझे लगता है एक 5 क्वाइन फिर एक 5 क्वाइन,
10 हो गए। 10 के बाद 4 हमें और चाहिए, तो 4 लेने के लिए अब क्योंकि दो ही टाइप के कॉइन्स हैं, एक 1 रुपए का कॉइन है, दूसरा 5 रुपीज का है, तो ये आ गए 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1। कितने कॉइन यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर के यहां पर कितने कॉइन्स यूज हुए हैं? 6 कॉइन्स यूज हुए हैं, जो कि क्या है, मोर देन 5 है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। हालांकि अगर आप चाहें तो बाकी अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं, जैसे 12 का पेमेंट करना है तो 5 + 5 + 1 + 1, 12 इजली हो जाएगा और 4 पॉइंट्स हैं। और 18 का अगर पेमेंट करना है देन 5 + 5 + 5, ये कितना हो गया, 15। और फिर क्या है, 16 17 18। अब यहां पर भी देखेंगे तो 6 कॉइंस आ रहे हैं जो कि मोर देन क्या है, 5 है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हिसाब से तो बी भी सही निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पेमेंट, सबसे छोटा पेमेंट पता करना है। तो अब देखो कि 14 में और 18 में छोटा कौन सा है, तो भैया 14 छोटा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अपने सामने ये रहा, क्या बात कही जा रही है, बोल रहा है अरुण है 6 लीटर ऑफ 10% एसिड सोल्यूशन। अच्छा, 10% एसिड एसिड सोल्यूशन है, तो 10% एसिड सोल्यूशन है तो 6 लीटर का हम जनरेट कर लेते हैं क्या, 6 लीटर का 10%। और जब 6 लीटर का 10% इस्तेमाल किया तो ये हमको मिल जाता है 0.6 लीटर, और ये क्या है, ये है एसिड। एक चीज हमको पता चली, हाउ मच वाटर मस्ट ही एडेड एड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड टू 8%। अच्छा, जो जो सोल्यूशन है उसको 10% से, एसिड को 10% से घटा करके किस पर लाना है, 8% पर लाना है। तो बोला कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो C1V1 = C2V2। ठीक है, ये C जो है ये कंसंट्रेशन है और V जो है वो टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास आ रहा है। तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, C1 की वैल्यू हमको साफ साफ पता चल रही है, कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है, अरुण है 6 लीटर ऑफ अ 10% एसिड सोल्यूशन। तो कुल मिलाकर के 6 × 10 = C2 की वैल्यू पता करनी है और V2 फिर हमसे 8% दे रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 2 4 जा 2 3 जा, यहां से 2 2 जा 2 5 जा, तो 5 3 जा 15 = 2 C2। तो C2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 15/2 मिलती है, और C2 अगर 15/2 है तो सॉल्व करने पर मिल जाता है 7.5। अच्छा, 7.5, और हमसे बोला कितना पानी और मिलाया जाए, पहले ऑलरेडी उसमें कितना था, 6 लीटर सोल्यूशन पहले ही ऑलरेडी उसके पास था, तो 6 लीटर सोल्यूशन से हमने कर लिया 7.5 लीटर, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 8% हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो 6 से 7.5 पर गए तो कितना बढ़ाया, तो भैया क्या करो, माइनस करके देख लो, तो 1.5 लीटर। तो इसका मतलब कितना उसमें पानी और मिलाया जाएगा, 1.5 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन है वो 10% से रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहा जा रहा है ना, माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अवर कल्चर गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 75 व्हेन डिवाइडेड बाय 296। अच्छा, किसी नंबर को जब 296 से हम डिवाइड कराते हैं तो डिवाइड कराने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो 75 बचता है। दिस ऑब्जर्वेशन रेजेस क्वेश्चन अबाउट द ग्रोथ पैटर्न्स एंड पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डिवाइडेड बाय 37। भैया कुल मिलाकर के एक चीज याद रखना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होता है तो जो पहले वाला रिमाइंडर है उस पहले वाले रिमाइंडर को दूसरे वाले क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं, जो डिवाइडेड बाय 37 है। तो आप क्या करो, सीधे 37 से डिवाइड करा दो, ये ट्रिक है, 37 से 75 को डिवाइड कराएंगे तो आपको 37 × 2 = 74 रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ बैक्टीरिया व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो जिससे डिवाइड करवा रहा है उससे रिमाइंडर को डिवाइड करते ना, तो जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। बोला इन अ कोड ब्रेकिंग चैलेंज टू नंबर्स दिस एंड दिस शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी, व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन 3 डिजिट नंबर दे लीव द सेम रिमाइंडर। टू अनलॉक द सीक्रेट मैथमेटिशियंस टर्न देयर अटेंशन टू द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस 3 डिजिट नंबर, व्हाट हिडन नंबर ऑफ डिजिट्स विल एनवेल द की टू क्रैकिंग दिस कोड।
तो ये यहाँ पर हिंदी में इसका लिखा गया हिंदी वर्जन है, और इसमें ये क्षेत्रफल नहीं भैया, ये क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। क्षेत्रफल समान आता है, क्या आता है, क्षेत्रफल समान आता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट एन बी आर थ्री डिजिट नंबर, एन क्या है, थ्री डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। और जब डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज करते हैं, तो डिवीजन एल्गोरिथम में बोला है टू नंबर्स दिस एंड दिस शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो जब हमने 5, 8, 7, 9 से हमने डिवाइड कराया, व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन थ्री डिजिट नंबर, और वो थ्री डिजिट नंबर हमने क्या ले रखा है, एन ले रखा है। तो जब हमने एन से डिवाइड कराया, तो कुछ हमारे पास क्वेश्चन होगा और कुछ हमारे पास बचेगा रिमाइंडर। मान लिया कि रिमाइंडर आ रहा है, बोला दे लीव द सेम रिमाइंडर, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा नंबर है 2, 3, 5, 6, इसको भी जब हम एन से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास सेम होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मान लिया कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्यू है। एक काम करो, जरा दोनों को डिवाइड करा, माइनस करा दो, सेपरेट करा दो। जैसे सेपरेट करा, तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है दिस दिस, थ्री बचेगा, फिर यहाँ से 2 बचता है, यहाँ से 5 बचता है, यहाँ से 3 बचता है, जबकि यहाँ से R से ये R हो जाता है कैंसिल, ये बच जाता है P माइनस Q इंटू N। फिर आगे देखते हैं, आगे इसको देखते हैं तो दो फैक्टर हो रहे हैं, P माइनस Q इंटू N इक्वल्स टू 3523। 3523 के करो फैक्टर और इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, तो जब 3523 के हम फैक्टर करते हैं, तो 3523 के जो फैक्टर होते हैं वो एक जाएगा 13 इंटू 271, क्या कहा, 13 इंटू 271। मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देखेंगे कि आपको आउटपुट यही मिलेगा। अब हमने क्या किया, यहां पर तो p माइनस q अपनी जगह पर है, यहां पर n अपनी जगह पर है, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 271। एक चीज याद रखना कि यहाँ पर P माइनस Q की जो वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है, और जो N की वैल्यू आ रही है वो 271 आ रही है। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि N की वैल्यू 13 हो, बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने मान लिया कि N लिया थ्री डिजिट नंबर, तो अगर N थ्री डिजिट नंबर है तो थ्री डिजिट नंबर देखो यही बन रहा है, इसलिए इसी को N के साथ जाना पड़ेगा, तो जो बाकी दूसरा वाला है वो इसके साथ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट हिडन सम ऑफ द डिजिट्स विल अनवील द की टू क्रैकिंग द कोड, कुल मिलाकर के इनका सम हमसे पूछ रहा है, और अगर हम इनका सम निकालते हैं तो डिजिट्स का सम हमारे पास क्या जाता है, 2 + 7 + 1, 7 to 9 और 1 10, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 अपने सामने ये रहा, बोला है अ कुरियर व्हेन डिलीवर्स अ पैकेज फ्रॉम ऑफिस ए टू ऑफिस बी, इफ दी वैन ट्रेवल्स द 20 किलोमीटर्स बिटवीन दी टू ऑफिस एट 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट दी वैन ट्रेवल टू रिटर्न दी ट्रिप, इफ द राउंड ट्रिप ट्रेवल टाइम इज टू बी 40 मिनट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो एक चीज हमें यह समझ आ रही है कि यहां पर किलोमीटर पर आवर यूनिट दिया गया है, यहां पर भी आप देखेंगे तो किलोमीटर आपको दिया जा रहा है, तो ये जो मिनट्स हैं इसको हम जरा आवर में चेंज कर लेते हैं, किसमें चेंज कर लेते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 40/60, ये आ जाता है आवर, 0 से ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, देन 2/3 आवर, क्या मिलेगा, 2/3 आवर। फिर हम लोग देखते हैं भाई, एक चीज उसमें बोल रहा है, इफ द राउंड ट्रिप ट्रेवल टाइम इज टू बी 40 मिनट, इसका मतलब कि ये रहा आपका ऑफिस ए, ये रहा आपका ऑफिस बी, मान लेते हैं कि ऑफिस ए से ऑफिस बी में पहुंचने में T1 टाइम लग रहा है और बी से ए में आने में T2 टाइम लग रहा है, तो वो बोल रहा है कि T1 + T2 मिला करके कितना टाइम हो रहा है, 2/3 यानी 40 मिनट्स, 40 मिनट्स को मैंने लिख दिया 2/3। अब टाइम T1 हमको पता करना है, यहां से किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है, तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो यह आ जाता है 50 इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है 20 अपॉन टाइम, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है, तो टाइम इस बार क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और अगर टाइम T1 होता है
तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 50 is equals to 20 upon t1, 0 से ये 0 हो जाता है कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन t1 is equals to 2 upon 5, ये जो t1 की वैल्यू आई है इसको उठाएंगे और ला करके हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखने को मिलता है 2 by 5 plus t2 is equals to 2 by 3। भैया इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, t2 is equals to 2 by 3 minus 2 by 5, 2 by 3 है, ठीक है। थोड़ा सा और हमने कैलकुलेट किया तो t2 is equals to, एलसीएम ले लिया तो 10 minus 6 upon 15, क्या कहा, 10 minus 6 upon 15, तो t2 की वैल्यू क्या आ जाती है, t2 की वैल्यू आ जाती है 4 upon 15। अब यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ फास्ट मस्ट दी वैन ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल मतलब कुल मिलाकर के वो हमसे स्पीड जानना चाह रहा है, तो t2 हमको पता चल गया है कि क्या है, 4 अपॉन 15 है, तो हम फिर से फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इसकस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमसे जानना चाह रहा है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस 20 तो उसमें दी गई है, तो 20 अपॉन टाइम क्या है, 4 अपॉन 15, आपको पता है 20 into 15 by 4, 4 से ये कैंसिल होगा तो 4 5 जा 25 into 15 क्या मिल जाता है, 75 मिल जाता है, और अगर 75 मिलता है तो 75 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोला यदि वर्ग एस का परिमाप वर्ग टी के परिमाप का दुगना है, इफ द पेरीमीटर, यहां पर देखेंगे ये ज्यादा समझ आ रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एस इज ट्वाइस दैट ऑफ स्क्वायर टी, यानी ये भैया एक स्क्वायर है एस है, ये एक दूसरा कोई एक स्क्वायर है, ये टी है, बोला पेरीमीटर, मान लेते हैं कि इसका जो साइड है वो ए है, तभी पेरीमीटर निकाल पाएंगे, इसका साइड क्या है, बी है, तो अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो स्क्वायर एस का पेरीमीटर 4 ए होगा और स्क्वायर टी का पेरीमीटर 4 बी होगा। अब क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला पेरीमीटर ऑफ एस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एस इसकस टू, बोला 2 times twice that of square t, यानी 2 times of perimeter of square t। अब perimeter of square s ठीक है, ये आपको पता है 4 a है, 2 into, ये आपको पता है 4 b है, 4 से 4 हो जाता है कैंसिल, तो a इसका टू क्या मिल जाता है, 2 b मिल जाता है, ये रिलेशन आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन दी एरिया ऑफ द स्क्वायर, अरे यार अगर एरिया आपसे जानना चाहता है तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, यानी इसका ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर, तो अब एरिया के रिलेशन, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर एस इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर टी, भैया क्या करो दोनों का बोथ साइड करा दो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, यानी जो एस का एरिया है वो टी के एरिया का कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कहा जा रहा था ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ये जो भी नंबर्स हैं दीज इज, तो सबसे बड़ा नंबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 दी पावर हमारे पास क्या आया, 2 दी पावर आया 50, 2 दी पावर 50 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 into 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 और ब्रैकेट में लिख देते हैं 10, 2 दी पावर 5 का मतलब हो गया 32 दी पावर 10, सेम प्रोसेस 3 टू दी पावर 40 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 into 10, इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 और साथ में 10, ये आ जाता है 81 टू दी पावर 10, फिर 4 टू दी पावर आ जाता है 30, इसको लिख सकते हैं 4 3 into 10, ठीक है, और यहां से आ जाता है 4 टू दी पावर 3 साथ में 10, यहां से 64 टू दी पावर 10, फिर आ जाता है 5 टू दी पावर 20, जिसको लिख सकते हैं पावर 2 into 10, 5 स्क्वायर पावर 10, यहां से 25 टू दी पावर 10। अब आप देख रहे हैं कि सभी की पावर क्या है सेम हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं बेस को कंपेयर करा देते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम देखते हैं तो 81 है, सबसे बड़ा बेस इसी का है, तो 81 है तो 3 टू दी पावर 40 इसमें क्या होगा सबसे बड़ा हो जाएगा, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इज कस्टू 6 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर एंड सी 8 सेंटीमीटर, पॉइंट डी लाइज ऑन बीसी एंड एडी, अच्छा तो हमने क्या किया ट्रायंगल क्रिएट कर लिया, ये
ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। फिर बोल रहा है 6 7 8 दे दिया गया, पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी। अच्छा, जो पॉइंट डी है एंड ए डी बाइसेक्ट दी एंगल बी ए सी, बी ए सी का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर, ये आ गया पॉइंट डी। साइड बाइसेक्टर नहीं, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। पॉइंट ई लाइज ऑन ए सी एंड बी ई एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। इसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो ये जनरेट होगा, ये है पॉइंट ई। बोला इफ द बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ, अच्छा ये दोनों बाइसेक्टर जो है ये पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ ए एफ रेशियो एफ टी, ए एफ रेशियो एफ डी। देखो एक थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए बता रहा हूँ, कभी भविष्य में आप एसएससी वीएससी या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इनका जो एक कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी है उसका आंसर हमेशा 2:1 ही होता है, ऑलवेज। क्या होगा? 2:1। तो भविष्य में आगे आप देखेंगे, हालांकि इसको हम लोग मैनुअली भी प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी इसका जो आउटपुट निकलना है वो यही निकलना है 2:1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बात कही जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा था डायग्राम शोज एन आर्टिकल मेड अप ऑफ अ हेमी स्फेरिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डायमीटर 32 सेंटीमीटर, दैट हैज अ स्मॉलर हेमी स्फेरिकल ब्लॉक ऑफ डायमीटर 16। ठीक है भैया, तो एक का डायमीटर 32 दे दिया गया है, तो अगर डायमीटर 32 है तो ये हमको पता चल रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये रेडियस होगा, और ये रेडियस अब 32 का हाफ कितना हो जाता है? 16 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये जो छोटा वाला है इसका 16 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज, आर्टिकल का क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया पूछ रहा है। एक चीज आप याद रखना कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², तो हेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, और हेमी स्फीयर की हमने बात की तो ये आ जाता है 2πr², क्या हो जाएगा? 2πr², ठीक है। तो ये बड़े वाले का है, बड़े वाले का जो है क्योंकि उसका नंबर बड़ा है तो इसका रेडियस r मान लिया, ये छोटा नंबर है इसलिए इसका रेडियस स्मॉल r मान लिया, तो ये आ गया 2πr². एक आपको ये ऊपर सर्कुलर बेस भी दिख रहा है, तो सर्कुलर बेस का भी जब हम निकालेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया की बात कर रहा है इस बात का खास ख्याल रखना, तो सरफेस एरिया में ये भी हमारे पास आ जाएगा πr², एक चीज, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर वाले सर्किल का, और ये अब एक छोटी सी चीज याद रखना, बोल रहा है दैट हैज अ स्मॉलर हेमी स्फेरिकल ब्लॉक ऑफ द डायमीटर 16 सेंटीमीटर कर्व्ड आउट ऑफ इट, मतलब ये जो डॉटेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसको, इस हेमी स्फीयर को काट के इससे निकाल लिया गया है। अब जब इसको काट करके निकाल लेंगे तो याद रखना कि जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन जो उसका सरफेस एरिया होगा उस पर वो मतलब वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसको आप एक एग्जांपल से समझे कि अगर आपको पेंट करना हो इस पूरे हेमी स्फीयर को, क्या करना हो? पेंट करना हो, तो पेंट करने के लिए आपने पहले ये बाहर वाली बॉडी पर पेंट कर दिया, फिर ये जो उसका बेस है सर्कुलर बेस है उसको पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद जब आपने इतना गुटका काट करके निकाल दिया, ये जो हेमी स्फीयर है छोटा वाला स्मॉलर हेमी स्फेरिकल ब्लॉक, इसको जब आपने काट करके निकाल दिया तो अब यहां तो पेंट नहीं है ना, तो अब अगर आप पेंट यूज करेंगे, इसको भी कलर करने के लिए पेंट का यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा पेंट लगाना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई चीज काट करके बाहर निकाली जाती है तो उसका वॉल्यूम तो घट जाता है, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस से बड़े वाले का हमने निकाल लिया, अब अगर इस छोटे वाले सेल की बात करेंगे, ब्लॉक की बात करेंगे, तो इसका जो सरफेस एरिया आता है वो आ जाता है 2π, क्या आ जाता है? 2πr², वो भी तो हेमी स्फेरिकल शेल ही है, और ये जो ऊपर का भी आप देख रहे हैं सर्कुलर बेस छोटे वाले का, ये आ जाएगा पाई, इसका एरिया आएगा πr², ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे, हम लोगों निकालना है सरफेस एरिया, तो जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या निकलेगा? 2πr² + πr², ये दो,
फिर ध्यान देना जरा, प्लस ये वाला भी ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इससे माइनस। और इससे ये माइनस क्यों होगा ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि जब हमने इस हेमिस्फेरिकल ब्लॉक को काट करके निकाला तो उसका जो सर्कुलर बेस है अब वो उसके पास नहीं होगा। जब आप पेंट करेंगे तो जो पेंट किया जाएगा वो एक्चुअल में ये जो अंदर का ब्लॉक कट गया है इतने पर पेंट किया जाएगा। लेकिन जब आप इस पूरी बॉडी पर पेंट कर रहे होंगे तो आप इस पर भी पेंट करेंगे, लेकिन अब जब इसको काट के बाहर निकाल दिया गया तो इस पर तो आप पेंट कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए माइनस का पाई आर स्क्वायर क्या है ये हट गया है। पेंट से अगर आप सरफेस एरिया को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी समझ आ जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करता है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बना देता है 3 पाई आर स्क्वायर माइनस, इससे सॉल्व किया तो यह जाता है पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 3 पाई, पाई को तो कॉमन ही कर लेते हैं तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 16 स्क्वायर माइनस, और आर की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर, तो पाई को हमने कर लिया है कॉमन। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 3 इंटू यहां से कितना आ जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256 माइनस कितना आ जाता है 64 आ जाता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमें देखने को मिलता है 768, कितना देखने को मिलता है 768, और माइनस का बेटा देखो जब इससे आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और अब 64 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। पाई ब्रैकेट के बाहर जैसे चल रहा था कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 8 और 4 ऐड करने पर 2 मिल रहा है, 12, 12 में 2, तो 2 देखो इसी ऑप्शन में आ रहा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने प्लस माइनस कैरेक्टर कैसे पकड़ लिया, एक्चुअली क्या था कि 768 जब आया और उससे जब 64 माइनस करेंगे तो 7 में आउटपुट आना चाहिए, लेकिन देखो 7 में यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं, तो मैं समझ गया था कि कुछ एरर हुआ है, रिचेक किया तो कैच कर लिया। तो ये सब चीजें एग्जाम हॉल में भी थोड़ा सा प्रेशर डालती हैं, तो कई बार छोटी छोटी चीजों से गड़बड़ी होने का डर बना रहता है। तो कुल मिलाकर के अपनी नजर को पहना रखेंगे और आउटपुट आ चुका है 832 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, बेहतरीन सवाल है। बोला है गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू CD। AB और CD ये जो है आपस में बराबर हैं, डायग्राम आपको बना करके दे दिया गया है। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रेपेजियम एज शोन, बिल्कुल जैसे दिखाया गया है। हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने से पहले हमें थ्योरम को समझना होगा, और वो थ्योरम आपके सामने ये रही कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टू टेंजेंट को ट्रेस करते हैं सर्किल में तो वो हमेशा सेम लेंथ की होती है, यानी ये टेंजेंट का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इस टेंजेंट का भी होगा। क्या बताया गया कि किसी भी सर्किल के आउटसाइड से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ट्रेस करते हैं तो मैक्सिमम टू टेंजेंट ही ट्रेस हो पाएंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि वो जो टेंजेंट होगी वो मैक्सिमम कितने, वो दोनों टेंजेंट सेम लेंथ की होंगी, किस लेंथ की होंगी, सेम लेंथ की होंगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 4 पॉइंट्स ABCD ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर रहा, और ये पॉइंट्स इस सर्किल के बाहर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों तो टेंजेंट का काम कर रही हैं, जो ये है वही ये है, तो ये दोनों किसका काम कर रही हैं, टेंजेंट का काम कर रही हैं। अगर ये बात सही है तो हमने मान लिया कि ये एक्स है, और अगर ये एक्स है तो फिर इसको भी एक्स होना पड़ेगा। सेम प्रोसेस से पॉइंट बी भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ही है, इसी थ्योरम को अगर अप्लाई करते हैं तो अगर हमने इसको वाई माना तो इसको भी वाई होना पड़ेगा। ये जो 8 सेंटीमीटर है, क्या कहा 8 सेंटीमीटर, वो टोटल BC का लेंथ है, लेकिन अब इतना तो हमने वाई मान लिया है, तो जो लेंथ बच रही है वो कितनी बच रही है, यानी यहां तक देखो y हो गया, ठीक है यहां तक हो गया है y, ठीक है जगह तक। और फिर इसके आगे का अगर हम देखते हैं तो जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा 8 माइनस y, ताकि हमारा लेंथ सही रहे। सेम प्रोसेस से ध्यान देना, अगर ये 8 माइनस y है तो फिर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर ये 8 माइनस y है तो इसको भी 8 माइनस y होना पड़ेगा। और सेम प्रोसेस से अगर ये 18 है तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 18 माइनस x, 18 माइनस x, अगर ये x है यहां से लेकर के और इस टेंजेंट पॉइंट तक का, तो जो बच रहा है वो 18 माइनस x होगा। अगर ये 18 माइनस x है तो पॉइंट डी एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, तो फिर ये लेंथ क्या हो जाएगी 18 माइनस x हो जाएगी। ठीक है भैया, इतनी बात तो हमको समझ आ रही है। ठीक,
आगे समझने का फिर प्रयास करते हैं। इतनी बात समझने के बाद एक चीज हमको समझ आती है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है लेंथ ऑफ ए बी इज सेम एज लेंथ ऑफ डी सी। तो लेंथ ऑफ ए बी अगर हम एक्स और वाई के फॉर्म पर देखते हैं तो एक्स प्लस वाई, तो लेंथ ऑफ डी सी क्या निकलेगा, 18 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस वाई। एक्स प्लस वाई 18 और 8 26 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई को हमने फिर ट्रांसफर किया तो 2x प्लस 2y इक्वल 26। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, 13 आ जाती है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आती है, 13 आती है। इसका मतलब x प्लस वाई से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो लेंथ है ये हमने पता कर ली है, कितनी आ गई है 13 आ गई है, कितनी आ गई 13 आ गई। अब x और y की अगर वैल्यूज किसी तरह से पता चल जाए तो बात बन जाएगी। क्या कहा, अगर x और y की वैल्यूज हमें किसी तरह से पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो चलिए वो भी जरा देखते हैं। अब हमने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ट्रेस किया, ठीक है, और एक ये भी परपेंडिकुलर ट्रेस कर दिया। ध्यान से समझना, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है तो इसके ठीक सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूस हो गई। अब ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था रेडियस। रेडियस अगर इस रेड लाइन को इधर खिसका करके ले आए, कहने का मतलब ये है कि अगर इन दो लाइंस के पैरेलल एक लाइन ये ट्रेस कर दें तो आपको ये बात समझ आ रही है कि तीनों लाइन सेम लेंथ की हैं। और अगर ये सेम लेंथ की हैं तो ये बात क्लियर है कि ये अगर सर्किल का सेंटर है तो ये डायमीटर का काम कर रहा है। तो डायमीटर के काम के लिए हमें ये रेड लेंथ पता करना है। क्या पता करना है, रेड कलर की जो लेंथ है वो पता करना है। देखो ये बीसी जो था ये कितना था, 8 आपको शुरुआत में ही दिया गया था कि बीसी का लेंथ 8 है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये लेंथ जो ये आप देख रहे हैं रेड कलर से, इसको हमने मान लिया कि ये लेंथ है W। अगर ये W है तो ये भी W है, ये भी चीज क्लियर हो गई। टोटल लेंथ भी आपको दिया गया था, कितना था 18। तो यहां से अगर हम देखें तो W प्लस 8 प्लस W इज टू किसके हो गया, 18 के। तो 2W प्लस 8 इज टू 18, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब W की वैल्यू 5 आ गई। तो ये देखो ये जो ट्रायंगल है इसको काट करके थोड़ा सा मैं अलग ही निकाल लेता हूँ, है ना, इसको काट करके मैं अलग निकाल लेता हूँ। ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये लेंथ अपने पास 13 आ गई थी, ये 5 आ गई थी। पाइथागोरियन नंबर आप जानते हैं, ये लेंथ 12 भी होगा, कितना होगा 12। और अगर ये वाली डॉटेड लाइन 12 आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ये डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ यानी 12 का हाफ रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 10 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्किल इज। अच्छा, सर्कम सर्किल का फिर क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ये हमने डायग्राम मेंटेन कर लिया है। ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन आप देख पा रहे हैं। बोला इफ द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 10 सेंटीमीटर, तो साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये अगर 10 है तो रेगुलर हेक्सागोन है, इसलिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, और ये आप जानते हैं कि ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। और ये अगर सर्किल का सेंटर है तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अगर ये दो रेडियस हैं तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि टू साइड्स अगर इक्वल है तो सेम साइड्स मेक इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्स डिग्री है तो फिर इसको भी कितना होना पड़ेगा, एक्स डिग्री होना पड़ेगा। तो अब ये अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो इंटरनल एंगल हमको पता है कितना होगा, 60 होगा। अगर ये क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसी ट्रायंगल की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, क्या कहा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। देन 2x डिग्री इज टू, हमें देखने को मतलब है 120 डिग्री। देन 2x डिग्री इज टू 120 डिग्री। अब इस 2 को अपॉन में भेजा तो ये आ गया, तो यहां से 2 खत्म हो जाता है। देन एक्स डिग्री इज टू क्या मिल जाता है, 60 डिग्री। तो अगर एक्स डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल
को हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर ये थ्री साइड्स इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये साइड 10 है तो फिर इसको भी 10 होना पड़ेगा, इसको भी 10 होना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, एकदम आसान सा प्रॉब्लम था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 में अगर हम देखते हैं तो ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि ये डायग्राम कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज चल रहा है। जो ट्रायंगल था वो देखो साइड में शिफ्ट हुआ, फिर ये ऊपर चला गया, फिर जो सर्किल था वो इधर आ गया, और ये जो रेक्टेंगल था वो नीचे आ गया। तो इन दो पर जो मोशन चला वो कैसा चला? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के बाद में इन दोनों के बीच में फिर हम एक रिलेशन देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? वो देखो क्रॉस का रिलेशन चला है। क्रॉस का रिलेशन मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए, तो इन दोनों के बीच में कैसा क्रॉस का रिलेशन चला। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो कैसा चला है। इन दोनों के बीच में फिर जो रिलेशन चला वो कैसा चला? क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज ही तो चला है। रेक्टेंगल सर्किल की जगह पर आ गया, सर्किल एरो की जगह पर चला गया, एरो ट्रायंगल की जगह पर आ गया, और ट्रायंगल रेक्टेंगल की जगह पर आ गया। तो बोल रहे नेक्स्ट क्या होगा? अब एक सीक्वेंस पता चल गया ना, क्लॉकवाइज क्रॉस क्लॉकवाइज, तो अगला क्या होगा? क्रॉस होगा, और जब क्रॉस होगा तो यहां पर सर्किल आ जाएगा, यहां पर ट्रायंगल आ जाएगा, यहां पर एरो आ जाएगा, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा रेक्टेंगल। देखो ये चार किसमें हैं? ये चार मुझे लग रहा है ऑप्शन सी में है, साफ साफ देखने से पता चल रहा है ऑप्शन सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। 23 एक बढ़िया सवाल है। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक समान गति से लगातार चलती चली जा रही है, मतलब एक समान तरंग से। द स्पीड ऑफ द कार वेरीज विद द सेम एज फॉलोज। अब आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो वो बोल रहा है एक समान तरंग से, तो एक समान तरंग मतलब वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो एक समान वेग से लगातार जा रही है। आपको उसने एक डेटा दे दिया, और वो डेटा जो आप देख रहे हैं वो डेटा यहाँ पर टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशनशिप है। बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ बाय द कार इज 10 सेकेंड। देखो बेटा दो चीजें, एक तो पहले ये कि 10 सेकेंड में उसने आपको स्पीड दे रखी है। 10 सेकेंड में क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। आपसे पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। भूल करके भी स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि तुम सोचोगे कि यहाँ 24 रख दें, डिस्टेंस पता करना है, टाइम 10 रख दिया तो आंसर 240 आ जाएगा, तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो बोले ना डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस ट्रेवल, वो डिस्टेंस क्या है? एरिया है। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उस ग्राफ को ट्रेस करना होगा, और फिर हमें उसका एरिया निकालना होगा, तब आपका आएगा फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट था जो कि ये ब्रैकेट में उन्होंने दे रखा है। तो आपको बेहतर तरीके समझाने के लिए मैं पहले एक बार इसका क्या कर देता हूँ, ग्राफ ट्रेस कर देता हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा? यहां पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास किसका काम करेंगे? कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे। तो टाइम और स्पीड, टाइम क्या हो गया? एक्स एक्सेस हो गया। स्पीड क्या हो गया? वाई एक्सेस हो गया। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं? 0.4, 2.8, 4.12, 6.16, 8.20, और लास्ट 10.24। इन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ ट्रेस किया। तो ये देखिए ग्राफ अब आपको सामने देखने को मिल रहा है, ए बी सी डी ई, और ये जो ए बी सी डी ई है ये यही पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये एफ। ये हमारे पास डायग्राम ट्रेस हो गया है। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पर आने के लिए पहले उसने 2 सेकेंड, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से चेस किया होगा। ये कौन सा ग्राफ है? ये टाइम का है, और ये एक्सेस टाइम का है, ये एक्सेस किसका है? स्पीड का है। अब देखो हमने इसका एरिया निकाला तो उसको शेडेड मैं कर रहा हूं। ये देखिए शेडेड रीजन अपने पास आ गया। शेडेड रीजन में ये देखो लेंथ साफ साफ डायग्राम में दिख रही है कि यहां पर क्या है? 10 है। कहां से चले हैं? 0 से चले हैं, इसलिए ये लेंथ 10 हो गया। यहां पर अभी आप देख रहे हैं पॉइंट एफ, पॉइंट एफ में ये देखो यहां पर क्या दिख रहा है? 24। कहां से चले थे? 0 से, तो ये लेंथ कितना हो गया? 24 हो गया। अब जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपको कलर रीजन दिख रहा है इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अलग कर लिया। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये ट्रेपेजियम देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ट्रेपेजियम। तो
तो जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा लग रहा होगा, तो डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है? और जब मैंने इस डायग्राम को चेंज किया तो यहां से आपको देखने को मिलेगा चेंज करने पर कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम कैसे निकालते हैं? 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है उसका क्या कर दो, सम कर दो, प्लस जो हाइट है वो ले लिया। हाइट कितनी है? 10 है। मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई। 2 से कुछ नहीं कैंसिल करना है भैया, 1/2 ये 24, ये 28 × 10, ये देखो कैंसिल हो रहा है, 14 मिल जाता है, तो मिल जाता है 140। 140 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़िया सवाल था, अच्छे समझ आया होगा, डायग्राम की मदद मतलब से समझाया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीर रोल्स अ फेयर डाई विद 4 फेसेस, 1, 2, 3, 4। अच्छा, समीर के पास एक डाइस है और उस डाइस में मार्क है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और फिर ईशा के पास एक और डाइस है, रोल्स अ फेयर डाइस विद 6 फेसेस। इनके पास 4 फेस डाइस है, इनके पास 6 फेस डाइस है। भैया देखो, ये 4 फेस डाइस है, ये 6 फेस डाइस है। मुद्दे वाली बात ये है, ठीक? बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कुल मिलाकर के 2 डाइस रोल कराए जा रहे हैं। तो एन एस आप जानते हैं कि जब 2 डाइस रोल कराए जा रहे हैं तो 4 × 6 कितना? 24। बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट समीर रोल्स अ ग्रेटर नंबर देन ईशा। समीर का नंबर जो है वो ज्यादा आएगा किसके कंपैरिजन में? ईशा के कंपैरिजन में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग इसको डायग्राम से देख लेते हैं। कुछ बच्चों के मन में होगा कि जो 24 सिचुएशन है वो दिख कैसी रही है, तो ये ऐसी दिख रही है, ये आ गए 24 सिचुएशन, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से वो क्या है? समीर का डाइस है, क्योंकि समीर के डाइस में केवल 4 मार्क्स ही थे, तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, तो ये जो येलो से है ये समीर है, समीर 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 और समीर। बाकी जो दूसरे हैं वो कौन है? ईशा है। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट समीर रोल्स अ ग्रेटर नंबर देन ईशा। समीर का नंबर बड़ा है, किससे बड़ा है? ईशा से बड़ा है। समीर का नंबर किससे बड़ा है? ईशा से बड़ा है। तो समीर का नंबर ईशा से बड़ा है तो एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये तो बराबर हो गया, बेकार हो गया। यहां से देखो एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये बराबर हो गया, बेकार हो गया। यहां से देखो एक कंडीशन ये, तो कुल मिलाकर के समीर का जो नंबर है वो ईशा के नंबर से बड़ा है। इसमें कितनी सिचुएशन हमारे फेवर में है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। क्या? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल में कितने? 6। टोटल में कितने? 24। डिवाइड करा दिया, देन वी गेट दी 1/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेहतरीन सवाल था, आपको मजा आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है, अ सीक्वेंस ऑफ 5 डायग्राम इज शोन बिलो, ठीक है। एक आपको सीक्वेंस दिया जा रहा है, डायग्राम 5 डायग्राम है, 1, 2, 3, 4, 5, उन्होंने टेबल भी पूरी दे रखी है। द नंबर ऑफ डॉट्स एंड लाइंस इन ईच द डायग्राम आर शोन इन द टेबल। अच्छा, डॉट्स की संख्या और रेखाओं की संख्या भी दी गई है। डॉट्स देखो 2 हैं, तो इन्होंने पहले डायग्राम में 2 डॉट्स बताए, दूसरे डायग्राम में 6 डॉट्स बताए, संख्या तो सारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है किस आरेख में 287 लाइंस होंगी, मतलब विच डायग्राम नंबर विल हैव 287 लाइंस, यानी डायग्राम 5 में 49 लाइंस हैं, तो किस डायग्राम में हमारे पास 287 लाइंस होंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे? मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढेंगे। तो हमने मान लिया कि ये संख्या इसे चल रही है, और nth डायग्राम क्या कहा? nth डायग्राम। तो nth डायग्राम में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है ये असल में n के लिए बनेगा, n² + 1। देखो n की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पर 2 एकदम सही मिल रहा है, n की वैल्यू को 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 और +1 5 हो रहा है, गलत है। एक काम करो, 1 की जगह n करो। अब देखो जरा पुट करो तो यहां से देखने को मिलेगा 2 2 जा 4 और 2 6, ये मिल रहा है। 3 पुट किया 3 3 जा 9 और 3 12 मिल रहा है। 4 पुट किया 4 4 जा 16 और 4 20 मिल रहा है। 5 पुट किया 25 और 5 30, एकदम सही है। तो अब लाइंस के लिए भी एक कॉमन नंबर ढूंढ लेते हैं। लाइंस के लिए कॉमन नंबर ढूंढने पर हमको पता चल रहा है 2n² - 1। देखो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, एकदम सही मैच कर रहा है। 2 पुट किया 2 2 जा 4 2 जा 8 1 गया तो 7। 3 पुट किया 3 3 जा 9
2018 1 7। तो इस तरीके से ये भी जो हमने नंबर निकाला है कॉमन नंबर, ये एकदम सही है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी होनी चाहिए 287। तो n की वैल्यू पता कर लेते हैं, 2n² - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 287 के इक्वल हो जाएगा। तो 2n² 1 ट्रांसफर किया LHS टू RHS, देन वी गेट द 288। 2 से ये नंबर डिवाइड होता है, देन n² = 2, 2 144। तो n की जो वैल्यू आती है वो क्या जाती है, ±12। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राफ की बात करें तो ग्राफ नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 12। इसका मतलब 12 डायग्राम नंबर जो 12 होगा, उस डायग्राम नंबर 12 में हमारे पास कितनी लाइंस होंगी, 287 लाइंस होंगी। बढ़िया सवाल था ये भी, आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 फिर आपके सामने रहा। 4 ड्रिंक्स आपको दी जा रही है, जूस, कॉफी, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक। 4 चीजें आपको बताई जा रही हैं और जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं, जूस है, कॉफी है, टी है और सॉफ्ट ड्रिंक है। वर रेटेड ऑन दी स्केल 0 to 5, 0 to 5 के स्केल में रेट किया जा रहा है। ऑन देयर कैफीन एंड सुगर कंटेंट, किसमें कितना कैफीन और सुगर मिला हुआ है उसके भी आप पर। वेयर 0 करस्पॉन्ड टू द मिनिमम कंटेंट एंड 5 करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम कंटेंट, ठीक है। और ये फिर आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन में बोले द बार ग्राफ अबव शोज कॉफी एंड शुगर रेटिंग फॉर दी 4 ड्रिंक्स, इफ द गिवन डेटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्कैटर प्लॉट। बड़ी समस्या है भाई, अब ये स्कैटर प्लॉट पर इसको प्लॉट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अभी ये आपको एक बार डायग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्स एक्सेस वुड रिप्रेजेंट द शुगर, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, शुगर को रिप्रेजेंट करेगा। y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैफीन को रिप्रेजेंट करेगा। हाउ मेनी पॉइंट्स इन द स्कैटर प्लॉट वुड लाई अबव द लाइन y इक्वल x, y इक्वल x के ऊपर कितनी लाइंस होंगी, और ये जो है इसका हिंदी वर्जन रहा, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया है, ये जो है इसको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो ये वाला लाइन है, ये जो एक्स एक्सेस है, साफ साफ देखो इसमें कहा गया है एक्स एक्सेस वो रिप्रेजेंट दी सुगर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैफीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुगर और कैफीन, तो सुगर वाली जो है वो देखो येलो कलर से है, सुगर वाला किससे है, येलो कलर से है, कैफीन वाला ऑरेंज कलर से है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोऑर्डिनेट जनरेट करें, कोऑर्डिनेट्स तो पहला जनरेट होगा एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट तो एक्स कॉमा वाई होता है। एक्स एक्सेस शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सेस कैफीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शुगर है देखो येलो कलर वाला 4,0, क्योंकि यहाँ पर देखो कैफीन है ही नहीं। दूसरा जो कॉफी का पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1,5। तीसरा टी का पॉइंट क्या निकलेगा, 2,2। और चौथा सॉफ्ट ड्रिंक का पॉइंट क्या निकलेगा, 4,3। अब इन पॉइंट्स को और वाई इक्वल एक्स की लाइन आप जानते हैं ओरिजिन से पास होती है, इन पॉइंट्स को रखते हैं और देखते हैं कितने पॉइंट्स इसके ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये देखिए लाइन ट्रेस कर दी और लाइन ट्रेस की, तो ये वाई इक्वल एक्स की लाइन है जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं। एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट इसी लाइन पर आ रहा है, 2,2 इसी लाइन पर आ रहा है। ये जो पॉइंट ए है वो ये वाला है 0,4,0 का। ये पॉइंट बी है जो वाई इक्वल एक्स के ऊपर है, y इक्वल एक्स के ऊपर की ओर स्थित है। कितने बिंदु हैं, एक बिंदु है जो y इक्वल एक्स के ऊपर है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 फिर आपके सामने रहा, बहुत बड़ा प्रश्न है। बोला है मैच बॉक्स शोन इन द डायग्राम बिलो, नीचे डायग्राम में दिया गया है, कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवर विच इज ओपन एट अपोजिट एंड एंड एन इनर बॉक्स। यार कुल मिलाकर के माचिस की वही डब्बी है जो आप घर में यूज करते हैं, और एक आपको आउटर सरफेस दिख रहा है, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है, आप उसको हल्का सा पुश करते हैं वो डब्बी बाहर आ जाती है, और वो जो हिस्सा बाहर आता है वो भी आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है, ठीक है। इसी में जो है माचिस की तीलियां पड़ी रहती हैं, इसी में माचिस की तीलियां पड़ी रहती हैं, ठीक है। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द आउटर कवर इज 1.5 एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर एक्स इज द ब्रेथ ऑफ द कवर, एज्यूम एक्स ब्रेथ हो गया, ठीक है। एज्यूम दैट द एंटायर मैच बॉक्स इज नेग्लिजिबल थिकनेस, थिकनेस कैसी है, नेग्लिजिबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिकनेस कैसी है, नेग्लिजिबल है। एंड द इनर बॉक्स हैज द सेम डायमेंशन ऑफ द आउटर बॉक्स। तो अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है तो जो बाहर का लेंथ होगा वही अंदर वाले का डायमेंशन दिया जा रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स इज 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका जो वॉल्यूम है कितना है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड,
हमें क्या निकालना है, कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है दैट इज यूज टू मेक बोथ द इनर एंड द आउटर कवर। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर के एरिया निकालना है, और अगर उस एरिया को हम देखें तो हमको पता चल रहा है क्या, वॉल्यूम कितना दे दिया गया है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज़ टू 30। लेंथ कितना है 1.5x, इंटू ब्रेथ कितना है x, इंटू हाइट हमको पता करना है 30। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो h की वैल्यू आ जाती है 30/1.5x2। क्या आ जाती है, 30/1.5x2। डेसिमल को हमने यहाँ से हटाया तो एक जीरो बढ़ा लिया, तो h की वैल्यू क्या आ जाती है, 15 2 20/x2। कितना आ जाता है, 20/x2। याद रखेंगे ये हमारे पास क्या जनरेट हुआ है, हाइट जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है, हाइट जनरेट हुआ है। ठीक है, अब हमने हाइट इसकी पता कर ली है, ये है 20/x2 हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। ठीक, अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है सरफेस एरिया। क्या पता करना है, सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, सरफेस एरिया पता करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मैथ स्टिक्स बॉक्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हमने क्या किया, ये आप देख रहे हैं इसी मैच स्टिक बॉक्स को मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हमने क्या किया कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि जो सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया में अंदर वाली ये जो डब्बी है इसका भी हमें बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए कार्डबोर्ड अलग चाहिए। बाहर वाला जो आउटर बॉडी है उसको बनाना है, तो उसके लिए कार्डबोर्ड अलग चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, एक देखो ये सेपरेट किया और दूसरा ये सेपरेट किया। ये कितना है, 1.5x है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ आपकी x है। एक चीज और हम कर रहे हैं सरफेस एरिया के लिए, सबसे पहले नीचे वाले डब्बे में देखते हैं, हालांकि ये दिखने में क्यूबॉइड लग रहा है, लेकिन याद रखना कि क्यूबॉइड में हमारे पास सरफेस कितने होते हैं, 2 to 4 to 6 सरफेस होते हैं, लेकिन इसमें 6 सरफेस नहीं होंगे, मैं सरफेस अलग अलग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैच स्टिक है। ये देखिए सरफेस इसके अंदर पाए जाएंगे 4, ये दो हिस्से वो हैं जहां से आप रब करते हैं मैच स्टिक को और उसमें आग लगती है, और ये ऊपर और नीचे का सरफेस हो गया, इधर उधर से खुला होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये ओपन होता है, यहीं से तो आप अपने फिंगर से हल्का सा पुश करते हैं तो इधर कोई सरफेस नहीं होता है, क्योंकि जो पोर्शन यहाँ दिख रहा होता है वो एक्चुअल में ये वाला पोर्शन होता है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी हमको कितने देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं 4 सरफेस। अब जरा देखो ये है 1.5x, ठीक, और हाइट हमने पता कर ली थी 20/x2। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया आता है 20/x2 × 1.5x। एक्स से एक्स हो जाता है कैंसिल, डेसिमल हटाया जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना 30/x, कितना मिल जाता है 30/x। ये एक हिस्सा, अगर ये 30/x है तो ये भी क्या होगा, 30/x होगा। अब ये इससे मिला हुआ हिस्सा है, ये क्या है, 1.5x है, तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा, 1.5x, और अगर ये x है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, x ही होना पड़ेगा। तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो 1.5x × x, रेक्टेंगल शेप है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये बना देता है 1.5x2। अगर ये 1.5x2 है तो ये भी बनेगा 1.5x2। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी जरा ब्रेक कर देते हैं, और जब हमने इसको ब्रेक किया तो ये देखो ब्रेक होने के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है। तो यहां से अब हमें क्या देखने को मिलता है भाई, यहां से हमको देखने को मिलता है इसका लेंथ 1.5x, और इसका लेंथ आ जाता है, हाइट सी ना 20/x2, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, अभी जो इसका निकलेगा वही इसका निकलेगा, सिंपल सी बात है। और इसका जो अभी हम लोगों ने निकाला था वो हम लोगों ने क्या जनरेट किया था, फिर सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो वन लेंथ इनटू ब्रेथ 20/x2, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होता है, डेसिमल हटाया जीरो बढ़ाया, ये कैंसिल हुआ, 15 2 30/x, तो 30/x इसका जनरेट हुआ था, 30/x इसका जनरेट हुआ, 30/x इसका जनरेट हुआ, 30/x इसका जनरेट हुआ, कितने 30 हो गए, 1 2 3 4,
और जब इनका हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 कितना आ रहा है, 120 अपॉन एक्स। एक चीज देखो, अभी भी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। यहां से हम लोगों ने जनरेट किया था लेंथ इनटू ब्रेथ का, तो ये जनरेट हुआ था 1.5 x² याद आया? अरे सीधे मल्टीप्लाई करा दो तो 1.5 x, तो ये भी 1.5 x, ये भी 1 point, ये नहीं ये नहीं, इसी को तो ब्रेक करके ये दिखा रहे हैं, ये आ जाएगा 1.5 x। याद रखेंगे जो इनर बॉक्स होता है मैच बॉक्स का, वो हमेशा ऊपर से ओपन होता है, इसलिए इसके अंदर जो सरफेस आएंगे वो 5 आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है वो असल में ये वाला हिस्सा है। ठीक, तो अब 1.5 कितने हो गए, तो 1, 2, 3, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना कार्डबोर्ड चाहिए, 4.5। देखो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, कुल मिलाकर के अब दो सही हैं, या तो ए सही होगा और या फिर सी सही होगा। देख लेते हैं, इसकी जरा बात कर लेते हैं, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये तो एक्स था, जैसे कि डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा है, और ये हाइट थी 20 अपॉन एक्स। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं x², तो यहां से देखने को मिलेगा 20 अपॉन x² × x, 1 x कैंसिल, तो ये बन जाता है 20 अपॉन x, तो ये भी बन जाता है 20 अपॉन x, दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाता है 40 अपॉन x, कितना आ जाता है 40 अपॉन x, 40 अपॉन x। अभी कितना टोटल निकला था, 120 में 40 हमने और ऐड कर दिया, देन 160 अपॉन x। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स हैज अ रिकरिंग पैटर्न एज फॉलोस, 5 ब्लू 4 ब्लैक 3 व्हाइट 2 रेड, और फिर उसके बाद फिर यही स्टार्ट है। कुल मिलाकर के एक मोतियों की एक माला है और उसमें जो पैटर्न दिया जा रहा है वो ऐसा है, पैटर्न है कि जो पहले शुरुआत के 5 होंगे वो ब्लू हैं, फिर जो 4 हैं वो ब्लैक है, फिर जो 3 है वो व्हाइट है, और फिर जो 2 हैं वो रेड है, और फिर ये क्रम फिर ऐसे ही चालू है क्योंकि पैटर्न है, तो आपको पता होगा पैटर्न किस तरीके से होता है। तो बोल रहा है कि 359th नंबर पर किस कलर का बीड होगा, मोती होगा, सबको जरा जोड़ लेते हैं, 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14, कितने 14, तो 14 बीड्स हमारे पास आ गई हैं। हमसे पूछ किस नंबर पर रहा है, 359। एक काम करो, 359 को डिवाइड करा दो किससे, 14 से, 14 2 जा 28, तो 7, क्या 7, और यहां से ये कैंसिल, 9 70, कितना 9 रिमाइंडर बच रहा है। अब जरा मेरी बात को समझना, 350 तक तो यही पैटर्न गया है पूरा, और 350 के बाद 9 बीट्स हमारे पास और बच रहे हैं, तो 9 बीट्स को हम यहां से देख लेते हैं। 350 तक तो ये पूरा यहां तक कंप्लीट हो रहा है, 2 रेड तक, 2 रेड के बाद में 5 बीट्स हमने दिए कौन से, ब्लू के, तो 5 बीट्स ब्लू के चले गए, तो बचे कितने 4 बिट्स, और 4 बिट्स जो जाएंगे वो किसके जाएंगे, ब्लैक के जाएंगे। तो 359th पोजीशन पर जो बीट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ब्लैक कलर का, किस कलर का, ब्लैक कलर का। आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात कर लेते हैं, 29 नंबर में अच्छा सवाल है, बोल रहा है अ मैन लिव्स 12,600 टू बी डिवाइडेड अमंग 7 sons, 3 daughters and 5 nephews, इफ ईच डॉटर रिसीव द 3 times as much as each nephew एंड ईच सन 7 times as much as each nephew, देन ईच डॉटर शेयर इज। ठीक है, कुल मिलाकर के भैया 12,600 को 3 जगहों पर डिवाइड किया गया है, ठीक, किसमें किसमें, 7 son, 3 daughter and 5 nephew, फिर एक रिलेशन भी बता रहा, लेट शेयर ऑफ ईच नेफ्यू, ध्यान से समझना, शेयर ऑफ ईच नेफ्यू, हमने मान लिया कि शेयर ऑफ ईच नेफ्यू इज इक्वल टू एक्स है,
ईच वर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रत्येक का नहीं दिया जा रहा है, सेवन सन थ्री डॉटर का मेंशन, इसलिए ध्यान रखना। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर कितना हो जाएगा, 3x। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, ईच डॉटर रिसीव 3 times एज मच एज ईच नेफ्यू, एंड शेयर ऑफ ईच सन, देखो ईच सन 7 times, क्या हो जाता है, 7x हो जाता है। तो टोटल शेयर ऑफ नेफ्यू हम पता करेंगे, ये तो शेयर ऑफ ईच नेफ्यू है, अब हम क्या पता करेंगे, टोटल शेयर ऑफ नेफ्यूज, कितने नेफ्यू हैं, 5 नेफ्यू हैं, एक को अगर एक्स मिल रहा है तो 5 को मिलाकर के मिलेगा 5x। टोटल शेयर ऑफ किसका पता कर लिया जाए, डॉटर का पता कर लिया जाए, एक डॉटर को 3x मिल रहा है तो डॉटर अपने पास कितनी है, 3 डॉटर्स हैं, तो 3 डॉटर्स को कितना मिलेगा, 3 × 3x मतलब 9x। सेम प्रोसेस से टोटल शेयर ऑफ सन्स, एक सन को कितना मिल रहा है, एक सन को 7, एक सन को मिल रहा है 7x, और हैं सन कितने, 7, तो यहां से कितना मिलेगा, 49x। अब कुल मिलाकर के 5x ये प्लस 9x ये प्लस 49x ये, इन सबका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 12,600 के। सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हमें देखने को मिलता है, 5863x इक्वल 12600। तो x की वैल्यू मुझे लगता है 12600 डिवाइडेड बाई 63, 2 times में ही चला जाएगा तो 200। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 200। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ईच डॉटर शेयर इज, तो ईच डॉटर शेयर कितना था, 3x था, तो x की वैल्यू हमने कितनी पता की है, 200, मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया, 600। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कौन सा सही है, ए सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 अपने सामने ये रहा, क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 30 में, बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड ऑफ द सेम काइंड वेटिंग 8 dg इफ अ डायमंड वेटिंग 20 dg कॉस्ट। अच्छा 20 dg का जो कॉस्ट है वो हमको दे दिया गया है भैया, 20 dg का जो कॉस्ट है वो कितना है, 4800, कितना है, 4800। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स बेस, लेट किया सी बी द कॉस्ट, क्योंकि पहले हम रिलेशन बनाएंगे, और दूसरा हमने वेट किया डब्ल्यू बी द वेट ऑफ एंड डायमंड। अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, क्या पता चलता है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, बोल रहे ना कॉस्ट ऑफ द डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के मिलेगा डब्ल्यू स्क्वायर, सी इज कस टू, ये जो के डब्ल्यू इसका रिलेशन आया हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहली कंडीशन दे रहा है डेसीग्राम कॉस्ट, सी क्या थी, कॉस्ट थी, तो ध्यान देना 20 dg, तो 20 इसकस टू के, और ना 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 दे रहा है क्वेश्चन में 20 dg कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी जा रही है, 4800, कितने ग्राम का, ग्राम वेट दिया गया है 20 ग्राम, तो के 20 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे के इंटू 20 इंटू 20, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 से कैंसिल किया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है, के की वैल्यू आ जाती है 12, के की वैल्यू क्या आ जाती है 12। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 8 dg कॉस्ट हमसे पूछ रहा है 8 dg के लिए, तो के की वैल्यू को हम उठाएंगे, उठा करके इसी रिलेशन में पुट करेंगे, किसमें, इस रिलेशन में, तो यहां से हमको देखने को मिलेगा सी इज़ टू 12 इंटू वेट स्क्वायर, वेट कितना दे रहा है, वेट दे रहा है डब्ल्यू 8,
डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 8, तो 12 × 8² 12 × 64, 12 × 64 किया तो हमें देखने को मिलता है 768, 768 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, 31 नंबर फिर अपने सामने आया। बोला है अनिल चावल के एक खेत में एक विशिष्ट भूखंड की कटाई 40 घंटे में करता है। चावल के उसी खेत के भूखंड की कटाई करने में बॉबी को 55 घंटे लगेंगे। अनिल और बॉबी ने मिलकर 20 घंटे काम किया तथा तब बॉबी को चोट लग गई और वह आगे कटाई जारी नहीं कर सका। यदि अनिल स्वयं उसी दर से खेत की शेष भाग की कटाई करता रहता है तो उसे खेत की कटाई के कार्य को समाप्त करने के लिए लगभग कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखेंगे आर्यभट्ट गणित चैलेंज, आर्यभट्ट नेशनल कॉम्पिटिशन में मैंने टाइम एंड वर्क वो वीडियो काफी ज्यादा देखी गई है, आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भी आवर होते हैं इन आवर्स का हमेशा एलसीएम लोगे तो आवर का एलसीएम लेने पर आपको टोटल टास्क पता चलेगा। भाई कहा जा रहा है कि ये 40 घंटे काम करते हैं, 55 घंटे काम करते हैं, ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर कितना रहे हैं ये भी तो हमको पता चले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू टेक एन एलसीएम ऑफ 40 एंड 55। किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, तो क्या हमें देखने को मिलता है 4 55। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, 5 2 जा 11, 2 1 जा 11, 11। ठीक है तो ये हमारे पास आउटपुट आया। अब हम क्या करेंगे, इन सबका जरा मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 2 जा 10 कितना, 5 2 जा 10 तो ये हमें देखने को मिलता है 440। सबका मल्टीप्लाई ये आ गया, यानी ये आ गया एलसीएम। अब एलसीएम जो आई ये आ जाए टोटल टास्क, क्या आया है टोटल टास्क 440 कार्य करना है। अब जो अनिल हैं ध्यान देना, जो अनिल है ये 40 घंटे काम करते हैं, 40 घंटे काम करते हैं, तो अनिल 1 घंटे में करते हैं कितना कार्य, 1 घंटे में करते हैं 11 कार्य, तभी तो 40 घंटे काम करके 440 कार्य कर पाएंगे। सेम प्रोसेस जो बॉबी हैं, बॉबी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, बॉबी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में करेंगे 8 कार्य। अरे भाई 55 से आप सिंपली क्या करिए, 440 को कर दीजिए डिवाइड, तो कितना टाइम आ जाएगा, 8 8 कार्य आ जाएगा। बॉबी 1 घंटे में करते हैं 8 कार्य, अनिल 1 घंटे में करते हैं 11 कार्य। अगर दोनों लोग मिल करके कार्य करें कैसे, टुगेदर, तो ये लोग 1 घंटे में कार्य कर पाएंगे कितना, 19 कार्य। करना कितना कार्य है, करना है 440 कार्य। अनिल और बॉबी ये मिल करके कितने घंटे कार्य करते हैं, 20 घंटे कार्य करते हैं। तो 1 घंटे में अगर 19 कार्य हो रहा है तो 20 घंटे में कितना कार्य होगा, 20 × 19 तो कितना मिल जाता है, 380। 20 घंटे में कितना कार्य, 380 कार्य। 20 घंटे में कितना कार्य, 380 कार्य। अब कार्य करने के लिए बच कितना रहा है, तो भैया जो 440 कार्य निकला है 380 घटा दो तो कितना बच रहा है, 60 कार्य। अब ये जो 60 कार्य करना है ये किसे करना है, ये अनिल को अकेले करना है। अब जब अनिल अकेले करते हैं तो अनिल 1 घंटे में करते हैं 11 कार्य, तो 5 घंटे में करेंगे 55 कार्य। 5 घंटे में करते हैं 55 कार्य, तो कार्य 55, 60 कार्य करना था, 55 कार्य 5 घंटे में हो गए, बच कितने रहे हैं, 5 कार्य। और ये जो 5 कार्य बच रहे हैं इसको जरा ध्यान से समझेंगे, 5 कार्य, 11 कार्य 1 घंटे में है अनिल के, तो 1 कार्य जो अनिल का जाएगा वो 1/11 घंटे में जाएगा, तो जो 5 कार्य अनिल के जाएंगे वो 5/11 आवर में जाएंगे। तो ये जो 5 कार्य बच रहे हैं ये कितनी देर में होंगे, 5 आवर, तो ये प्लस 5 कार्य का समय मिला 5/11 आवर। 5/11 आवर का मतलब ये हुआ कि हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे देखो ये मिनट भी दिया गया है, तो आपको पता है कि 5/11 आवर को जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर = 60 मिनट्स। भैया ये आ जाता है 300/11, 11 से क्या करो, 11 से जरा डिवाइड कराओ भैया 300 को, तो 11 2 जा 22 और 11 7 जा
27 मिनट्स, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 27 मिनट्स, तो 5 आवर 27 मिनट्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर अपने सामने ये रहा, कहा जा रहा है ना कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड द वेजेस वर इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 6:7, फाइंड द रेशियो इन विच द टोटल वेजेस पेड बाय द कंपनी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। ठीक है, तो हमको पता करना है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो रेशियो है इसको नॉर्मल वे में लाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए कि इनिशियली हमारे पास क्या चीजें चल रही थी। हमने लिखा लेट इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 4x, देखो बोला ना रिड्यूस कर दिए गए, तो रिड्यूस का जो रेशियो 4:3 है, पहले 4 थे अब 3 है, तो मतलब पहले 4x थे, तो आफ्टर रिड्यूशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो अपने पास बचे वो कितने बचे 3x, फिर इनिशियल वेज पर एम्प्लॉय ये देखो 6:7 है, जो वेज में इंक्रीमेंट हुआ, पहले 6 थी अब कितनी हो गई है 7 हो गई है, तो ये हमने वाई मान लिया। आफ्टर द इंक्रीमेंट आफ्टर इंक्रीजिंग कितना हो जाएगा 7y। अब अगर हम देखें कि टोटल वेज जा कितना रहा था, इनिशियल टोटल वेज, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज कितने थे 4x थे, मल्टीप्लाई करा दो किसका 6y का जो उनको वेज दिया जा रहा था, कितना मिल जाता है 24xy। फिर अगर हम देखें तो फाइनल ये सब नौटंकी करने के बाद टोटल वेज कितना जा रहा है, तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज बचे हैं वो 3x और जो जो हम वेज दे रहे हैं वो 7y, तो टोटल अमाउंट जो डिडक्शन जाएगा वो कितना जाएगा 21xy। तो रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल बोल रहा है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द टोटल वेज पेड बाय द कंपनीज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो भैया पहले 24 था अब 21 है, तो जाहिर सी बात है कि क्या हो रहा है कमी हो रही है, वो बोल रहा है ना वेजेस पेड बाय द कंपनी इंक्रीज और डिक्रीज, फाइंड द रेशियो इन विच द टोटल वेजेस पेड बाय द कंपनी इंक्रीज और डिक्रीज, तो भैया क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, पहले 24 जा रहा था अब 21 जा रहा है, तो 24xy रेशियो 21xy से xy कैंसिल, 24:21 यानी 3 8 जा 3 7 जा 8:7, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की हमने चर्चा की, क्या बात कही जा रही है, इन अ रिमोट विलेज नेस्टलेड इन द माउंटेन्स देयर इज अ सर्कुलर पॉन्ड विद अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 88 मीटर, सर्कुलर पॉन्ड है ठीक है, सर्कुलर पॉन्ड है जिसका डायमीटर आपको दिया जा रहा है 88 मीटर, चलो पॉन्ड हम ले लेते हैं, ये अपने पास एक सर्कुलर पॉन्ड आ गया है ठीक, और इसका जो वो बताया जा रहा है डायमीटर वो कितना है 88, तो हमको पता है सर्कमफ्रेंस कितना दे रहा है 88, कर लेते हैं भाई इसी जगह से लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ पॉन्ड कितना हो जाता है 88, एक उसने दे रखा और एक हम लेंगे, और वो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे 2 पाई आर इसका 288, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे
पाई की वैल्यू आ जाती है 22/7। आर पता नहीं है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि वो हमको ये डेटा उपलब्ध करवा रहा है। तो हमने मान लिया कि ये रेडियस आर है, तो यहाँ से आर को हमने रखा 88। 22 टू जा 44, 44 टू जा 88, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 14 आ जाती है। तो ये जो हमारे पास आया ये कितना आ गया, 14 आ गया। फिर बोल रहा है द विलेजर्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ पाथ अराउंड द पॉन्ड। इसके चारों तरफ क्या है, एक हमको वो बनाना है, पाथ बनाना है, विच हैज अ विड्थ ऑफ 3.5 मीटर। विड्थ कितनी दे दी जा रही है, 3.5 मीटर दे दी जा रही है। तो चलो ये देखो हमने तैयार कर दिया, ठीक है। अब ये जो यहां से लेकर के यहां तक की विड्थ है ये कितनी है, 3.5 है, ठीक। तो बोल रहा है इफ दे प्लान टू रेक्टेंगुलर टाइल मेजरिंग 1 मीटर बाई 1 मीटर। ये तो देख रहे हो ना, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर है, देख रहे हो टाइल सब पूरे में लगा हुआ है। तो बोल रहा है इसमें कितनी रास्ता बनाने के लिए, कितनी, हाउ मैनी मिनिमम टाइल्स आर नीडेड फॉर दिस, कितनी मिनिमम टाइल्स की नीड हमको पड़ेगी। तो रास्ता तो हमको भैया ये वाला बनाना है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 14 और ये 3.5 मिल करके अगर हम टोटल रेडियस इसका पता करें तो टोटल रेडियस हमको पता चल जाएगा कितना है, 14 में 3 ऐड हुआ 17.5, कितना हो जाता है, 17.5। तो अब हम लोग अगर पता करें सरकमफ्रेंस इसका, तो सरकमफ्रेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन, तो यहां से हमको पता चलता है 2 पाई आर। आर कितना आया है, 17.5, मल्टीप्लाई करा दिया है, देन वी गेट दी 35 पाई। कितना मिल जाता है, 35 पाई। 35 पाई को हमने और सिंप्लीफाई किया तो 35 22/7, 22/7 मतलब 22, कितना, 110, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन पता चल गया, क्या पता चल गया, सरकमफ्रेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन। तो अब हमको जो एरिया चाहिए वो हमको ये जितना दिख रहा है इतने पर ही टाइल्स बिछाना है। तो एरिया ऑफ पेडेस्ट्रियन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एरिया ऑफ पेडेस्ट्रियन, तो एरिया ऑफ पेडेस्ट्रियन आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़ा सर्किल का हमने निकाल रखा है रेडियस, मतलब एरिया, बड़े सर्किल का जो एरिया है, तो बड़े सर्किल का एरिया अपने पास क्या है, वो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे सर्किल का रेडियस एरिया। बड़े सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर मतलब 17.5 स्क्वायर, माइनस यहाँ से पाई आर स्क्वायर स्मॉल मतलब 14 स्क्वायर। हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो हमें देखने को मिलता है पाई की वैल्यू हमने क्या कर ली है, कॉमन कर ली है, तो अंदर से देखने को मिलेगा 17.5 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई करना, तो जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 110.25, और फिर पाई की वैल्यू पुट कर देना 22/7, 110.25। कैंसिल आउट करोगे और कैंसिल आउट करने के बाद जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा वो 346.5। तो 346.5 नियरली नंबर देखो, 345 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 346.5 को राउंड ऑफ करके 47 बना दिया गया। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 अपने सामने ये रहा। बोला है एक एक शंकु, एक बेलन और एक गोले में से प्रत्येक की त्रिज्या आर है। बेलन की ऊंचाई एच है, शंकु की ऊंचाई एच है। एक काम करते हैं, पहले सब पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा प्रिपेयर कर लिया, ये अब अच्छे से समझ आएगा। बोल रहा है शंकु की ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है भाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है, ठीक है भैया। फिर क्या बोल रहा है, गोले, बेलन और गोले के आयतन समान है, अगर ये भी है तो ये भी है, शंकु और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, शंकु अगर ये ऐसे है तो ये भी ऐसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के समान है, कैपिटल एच और स्मॉल एच के बीच में क्या पूछ रहा है हमसे, रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
क्या स्क्वायर। यहां से हमको देखने को मिलता है पाई आर स्क्वायर एच। साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक की त्रिज्या आर है, मतलब इसका भी रेडियस आर होगा, इसका भी रेडियस आर होगा, और इसका भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। इसका टू 4/3 पाई आर क्यूब। सिंप्लीफाई किया, ये इसकी 2 पावर कम कर देगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू मिलती है 4/3 आर। क्या मिलती है एच की वैल्यू? 4/3 आर। अब हम लोग फिर डिस्कस करते हैं आगे। यहां से हम बताएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, एस भी तो ये जो ऊपर बता रहे सरफेस एरिया इक्वल है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस सिचुएशन में जो कोन है वो आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर। स्लैंट हाइट जो है वो हमने एल एज्यूम कर ली कि स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई क्या है, एल है। यहां से जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? वो आपको मिल जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें कुछ देखने को मिलता है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो पाई आर से ये पाई आर हो रहा है कैंसिल, एल प्लस आर इक्वल टू एच प्लस आर। 2h+2r, यहां से l इक्वल 2h+r, ठीक क्या बनेगा? 2h+r। l जो है स्लैंट हाइट वो हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन में ये h है ये r है, तो l की वैल्यू जनरेट हो जाती है अंडर रूट h² + r² 2h+r टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो h² + r² ये यहां पर रूट लगेगा स्क्वायर होगा, और ये यहां पर 2h+r का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देता है, तो ये बच जाता है h² + r² इसका टू a² + b² + 2ab 4hr। r² से r² कैंसिल हो जाता है, h² इसका टू 4h² + h, इसको लिखेंगे 4r। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, इस रिलेशन से अगर हम 4r की वैल्यू निकालें तो वो आ जाती है 3h, और इसी का इस्तेमाल हम यहां पर रखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो 4h² + h 4r की जगह आ जाएगा 3h। यहां से h² = 4h² + 3h² तो h² = 7h² टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो h = √7h। देखो है कोई ऑप्शन h = √7h, फिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। धातु के एक ठोस शंकु को पिघलाकर ये शंकु था, शंकु को पिघला करके क्या है, एक बेलन बना दिया गया जिसका आधार उस शंकु के आधार के समान ही है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी जा रही है? 7 सेंटीमीटर दे दी जा रही है, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। अच्छा देखो, अगर इसको पिघला करके ये बनाया गया है तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कैसा होगा? सेम होगा। वॉल्यूम कैसा होगा? सेम होगा। तो इस सिचुएशन में कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या कहा? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल
ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो आ जाएगा 1/3 पाई। अब एच क्या है और आर क्या है ये जरा देखना है। एच तो हमको कंफर्म करना है और आर दोनों का सेम होगा। अगर इसका रेडियस आर हमने लिया तो इसका भी रेडियस आर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा जा रहा है जिसका आधार शंकु के आधार के समान है, यानी बेस कैसे हैं, बेस सेम है। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर की हाइट की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 7 दे दी गई है। तो यहां से आर स्क्वायर से साफ साफ पता चल रहा है कि आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एच बाई 3 इक्वल 7, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 21। 21 विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 21 सेंटीमीटर सी में है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 - 2y/3 इज <5/3> आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर में बोथ साइड 3 से, तो यहां से हमें ये देखने को मिलता है 7 - 2y <-15>। एक काम करो, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको इधर लेकर के जाओ आरएचएस में, और ये आपको ये देखने को मिलेगा। तो 11y इज ग्रेटर देन 11, इसको हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन 11, y इज ग्रेटर देन 11, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, बोला ये और ये दो दीघा समीकरण है, जब x बराबर -y है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भैया x बराबर -y है तो अगर राम का भाई श्याम है तो ये बात भी सही है कि श्याम का भाई क्या है, राम है। तो अगर x इक्वल -y की है तो y इक्वल -x की है। अब जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां रख दो। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हमने इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन 2 मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। y किस में है, इक्वेशन 2 में है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, 2 में रख देंगे। तो y की जगह पर आपको देखने को मिलेगा -x² - फिर आ जाएगा -x + 6 = 0, x² + 5x + 6 = 0। फैक्टर कर लो, x + 2 x + 3 = 0। x की दो वैल्यूज आ गई, एक -2 है दूसरी -3 है। पूछ रहा है कि x के मान क्या है, अभी क्लियर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक काम कर लेते हैं। काम क्या करते हैं जरा ये देखते हैं कि एक इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है ये वाली, और एक इक्वेशन जो दूसरी दे दी गई है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। और एक इक्वेशन हम लोगों को दी गई है 2x² - 2x - 2 = 0। सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दें, और जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये वाली इक्वेशन तो देखो यही है, जबकि नीचे वाली जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये वाली इक्वेशन अब ऐसी दिखेगी, 2x² + 10x + 12 = 0। ये माइनस कैंसिल हो गए, 10 और 2 मिलकर के बना देता है -12x - 24 = 0, -12x = +24। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है, -2। तो यहां से दो वैल्यूज आ रही थी, -2 - 3, जो कि दोनों ही ऑप्शंस में थी, इसलिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा, और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है पीएक्स और क्यूएक्स में प्रत्येक के बहुपद की घात 3 है, ईच विद रियल कोफिशियंट। देखो एक चीज यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, रियल कोफिशियंट। अब रियल कोफिशियंट का मतलब मान लेते हैं कि डिग्री, अच्छा प्रत्येक यानी क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक है ax³ + bx² + cx + d = 0।
दूसरी है ax³ + bx² + cx + d=0। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, बोला कौन सा ऑप्शन सही है। हम जानते हैं कि अगर इन दो इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हाईएस्ट पावर 6 ही तैयार होगी, यानी ये वाला सही है। क्वेश्चन ने पूछ क्या रहा है, सत्य नहीं है। दूसरे में बोल रहा है कि px और qx, इसको चलो छोड़ देते हैं, नीचे वाले को देखते हैं। कहते हैं डिग्री px² अगर हम इसका होल स्क्वायर करते तो इसका होल स्क्वायर करने पर जो हाईएस्ट पावर आता वो 6 आता। सेम प्रोसेस इसका भी होल स्क्वायर करने पर हाईएस्ट पावर कितना आता, 6 आता। और नहीं, इसका क्यूब करना है, यहाँ पर देखो 3 है। और अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो 9 आता। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आती, 6, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आती, 9। दोनों का सम कितना हो गया, 15। 15 मतलब ऑप्शन डी भी सही है। दोनों के सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, अगर हम दोनों को घटा देते हैं तो भले ही ना कैंसिल हो पाए लेकिन ए माइनस ए कुछ ऐसे ही बचेगा, x³। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर ये बराबर हो जाते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए तो पावर 3 से कम हो जाएगी, अदरवाइज 3 ही रहेगी। तो ऑप्शन सी भी सही है। अब ऑप्शन बी को जरा देखते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर भी, तो ये देखिए आपस में नहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो इस हिसाब से तो ये भी सही है, बेटा ये सही नहीं है। क्योंकि रियल कोफिशियंट की बात कर रहा है, और रियल कोफिशियंट की जब बात कर रहा है तो जोड़ने पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं x³ + x² + x+1=0, और दूसरी इक्वेशन रियल कोफिशियंट है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, +3x + 4=0। अब जोड़ो, कैंसिल हो जाएंगे, तो अब जो बच रहा है 2 और 1 3x² तो यानी वो पावर जो है ना वो 3 भी हो सकती है और 3 से कम भी हो सकती है। और ये जो कम हो सकती है ये किसकी वजह से, रियल कोफिशियंट की वजह से है, इसलिए सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है। और ये सत्य ना होने का कारण क्या है, रियल कोफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बोल रहे तान्या इज एन एडिटर ऑफ पब्लिशिंग कंपनी, द अमाउंट ऑफ द टाइम टेक्स हर टू एडिट एंड कैन बी मॉडल्ड बाई द इक्वेशन t=8p + 16.3। टी टाइम है, पी नंबर ऑफ पेजेस हैं। हाउ मच टाइम विल टेक तान्या टू एडिट 20 पेजेस, देन इट टेक्स हर टू एडिट 15 पेजेस। 20 पेज का डेटा निकालना है, 15 पेज का डेटा निकालना है। पी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पी स्टैंड कर रहा है नंबर ऑफ पेजेस के लिए। तो पहले 20 पेज की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 20 पेज की बात कर लेते हैं। तो 20 पेज की जब बात करते हैं तो 20 पेज की बात करने पर हमको कुछ पता चलता है। हाँ भाई, क्या पता चलता है, यहां से हमको पता चलेगा t=20 पेजेस हैं, तो 20 आ गया 16.3। क्या पता चलेगा, 160 + 16.3। सिंप्लीफाई कर दिया तो कितना आ गया, 176.3, एक एक हिस्सा। अब ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक वैल्यू तो ये रखी, और ये किसके लिए है, p=20 के लिए है। अब हम दूसरा फिर सॉल्व करेंगे, और इस बार जो सॉल्व करेंगे वो किसके लिए, p=15 के लिए। तो t=8 × 15 + 16.3 तो कितना आ गया, 136.3। हमसे क्या बोल रहा है, कंपेयर करवा रहा है। बोला हाउ मच टाइम लॉन्गर विल इट टेक तान्या टू एडिट 20 पेजेस, देन इट टेक्स हर टू एडिट 15 पेजेस। 15 पेज की कंपैरिजन में 20 पेज में कितना ज्यादा समय लेगी, तो एक काम कर लेते हैं, टाइम दोनों का निकला है तो रिक्वायर्ड टेक इन टाइम, रिक्वायर्ड टेक इन टाइम कितना आ जाएगा, 176.3 से आप माइनस कर दीजिए 136.3 को, 0 यहां पर डेसिमल आ जाएगा, ये 0 यहां से, 4 और ये कैंसिल हो जाता है। तो अपने पास कितना आ रहा है, 40 मिनट का आ रहा है। कितना समय और लेगी, 15 पेजेस के बाद 40 मिनट का समय और लेगी। और आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया सवाल है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में m को एक्सप्रेस करना है, m के पदों में 3k + 2 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ m। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है 3k + 1 - 3k = क्या है, m है।
हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया और इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power k into 3 k equal m। 3 to the power k हमने कॉमन किया, 3 minus 1 equal m, तो 2 into 3 to the power k equal m। अब m की हमारे पास जो 3 to the power k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m/2। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ m। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, 3 to the power k की वैल्यू हम जानते हैं m/2 है, यही तो अभी हमने निकाला है 3 to the power k की वैल्यू। इसको उठाओ ला करके कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इंटू 3 3 जा 9, तो ओवरऑल मिल क्या जाता है 9/2 m। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा टाइम टेकिंग सीरीज रही, लेकिन अच्छा लगा होगा, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिले होंगे, बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी, और कॉम्पिटिशन इसी लेवल का वो है भी। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है और साथ में ट्रिक्स भी एक्सप्लेन की गई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई भी होगी और पसंद भी आई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।